लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये बड़े मालिक कहाँ हैं? याहो! आप कहाँ चले गए थे? इस छतरी के लिए एयरपोर्ट पूरा ढूंढ रहा था। मुझे दी थी ना? भूल गए। चल चले, बाकी के लोग हैं, उससे पहले हम निकल चलते। चलो। बड़े मालिक, शादी में जाने से पहले हमें मार्केट भी जाना है। मार्केट क्यों जाना है? शादी वालों को तोहफा जो देना है। और फिर अमेरिका से उनके लिए ये गोरी। सॉरी, ये मैम साहब अंग्रेजी में बोल रही है, आप मुझे माफ कर दो। अच्छा, चलो माफ कर दिया जाओ। Oh no, I don't want it. I'm really sorry. Please give. Oh, sorry. No, sorry. धोती, हमारी धोती। Oh, sorry for man. Yeah. Okay, that's nice. Bye. वो बोली जा रही है। अरे रोको। Hey, what man? What? What? Nothing. कहे को लपड़ा भाई? We are friends. ए छोटू, ऑटो में चलेंगे। आप ऑटो में चलेंगे? हाँ, ऑटो में चलेंगे। ठीक है, ए ऑटो चल। नहीं चलेगा। ए ऑटो चल चल। नहीं, वेटिंग में। ये भी बेकार। ए हाँ, वहां देखो, पूछने से नहीं आएगा, पूछे बने चढ़। ठीक है। ए चलते कहाँ? उतरो। क्यों उतरो? लेकिन क्यों? सराफत से ऑटो चलेगा, पूछे चढ़ना था ना। अरे, ये क्या जबरदस्ती है? गाड़ी मेरी है, सराफत से पूछो। सराफत से? हाँ। साहब जी, ऑटो चलेगा। कहाँ जाओगे? चोर बाजार। तुम्हारी शक्ल और बॉडी से समझ गया था, 6 घंटे से एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ कोई लंबी पैसेंजर के लिए। देखो, वहाँ म्युनिसिपैलिटी की बस आएगी, चले जाना। सुबह सुबह आ गए चोर बाजार। बड़े मालिक, लगता है हमें अपनी औकात पे उतरना पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ। अरे नीचे रखो। अरे नीचे रखो, अजीब जबरदस्ती है। अच्छा बैठो। देखिए शराफत। ठीक है, बैठो। बोरी उठा के डिक्की में रख। मैं क्या कुली दिखता हूँ? बड़े मालिक, फिर शराबा चाहिए इसे? नहीं, उठाता हूँ। लगेज का अलग पैसा लगेगा। अरे देंगे ना। बोलते कम है, मारते दादा है। क्या इसमें बहुत ही भारी है? बड़े मालिक, भुट्टा है, भुट्टा। ये ले और रख ले अपना भुट्टा। चल चल, अब जल्दी चल।
दिस इज लेटेस्ट मॉडल एंड फैंसी कलर सर. एक्सक्यूज मी. मेरी बात मानिए, सुनिए तो. बाजोटो क्या हो रहा है यहाँ पर? अपने आप को आप ही बताओ हवालदार जी. मुझे बहुत भूख लगी तो दो केले कितने के हैं पूछा. तब इसने बताया 6 रुपए. तब मैंने शराफत से पूछा ये केले का भाव है या पूरे ठेले का भाव है. उसमें उसने क्या कहा पता है? ये थोड़ा केला खाएगा देहाती गवार बोला हमें. तेरी एक तरफ हमारा देश एटम बम बनाने के मामले में प्रेसिडेंट बुश लड़ रहा है तो ये देहाती लोग केलों के लिए लड़ रहे हैं. इसलिए तो इंडिया. वेल सेड सर. इस बेचारे की क्या गलती है? गलती क्यों नहीं है? तुमने इसे हफ्ता होता वसूल किया क्या? अभी तक नहीं किया. नहीं दिया? चलो पुलिस स्टेशन के लिए अंदर करवा दूंगा. वाह, पुलिस को ही थाने ले जाओगे? अरे हटो ना यार, पता नहीं कहाँ फंस गया. ऊपर से भुट्टा अलग. सर कस्टमर आए हैं. ये लो, इन्हें किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी वाले सो रहे हैं क्या? ये लाल गाड़ी हमारी गुड़िया जी के लिए खूब जचेगी ना. बहुत पसंद आएगी. हाथ मत रखो. क्या हाथ नहीं रख सकते? तो ठीक है पैर रखते हैं. पांव मत रखो. पांव उठाओ. क्या चाहिए तुम्हें? ये गाड़ी दिखने में बहुत बढ़िया है. क्या रेट है? देखने के लिए रेट नहीं है, देख के जाओ. इन्हें जल्दी बाहर निकालो. ओके सर. ये गाड़ी यहाँ बेचने के लिए रखी है ना? हाँ बिल्कुल. तो इन्हें रेट बताना. हाँ रेट. या रेट. या रेट. लगता है तुम भी गांव के. हाँ लेकिन आप कैसे जानते? अरे शक्ल देखते ही पता चलता है. हाथ बढ़ाओ. हाथ किस लिए? अरे बढ़ाना. इतना 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 ये ठीक है ना? अरे ये क्या कर रहे हैं अनपढ़ गवारों की तरह? ये कोई घायल भैंस का सौदा नहीं है. रेड बेड गुटे जाओ छोटो. हाँ समझ गया. अरे नहीं 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 छोड़ दो. अरे जल्दी रेट बताओ नहीं तो गाड़ी को उल्टा कर देंगे. क्या उल्टा कर देंगे? 9 लाख. 9 लाख रुपए. 9 लाख. 9 लाख तुम लोग चलते बने जाओ. छोटो बड़े मालिक हम कौन है क्या है इसको जरा बताना. ए ऑटो, जा ऑटो से बोरी लेकर आ. बोरी खोल के पलट दे. ये मेरा काम नहीं है. अबे पलटना. क्या है, बिना हमारी बात नहीं कर सकते क्या? कमाल है. ये भाई उसमें 20 है. 9 लेके बाकी बोरी में बांध दे. अच्छा सर. रुक रुक, पहले ओपन अस्त्रा बाहर कर फिर पैसा अंदर कर. साहब ओपन अस्त्रा नहीं, ओपल अस्त्रा. अरे जो भी है बाहर. जो भी हो, बोरी में भुट्टा कर रहे थे आप लोग? भुट्टा बेचा हुआ पैसा है यार. भुट्टा भुट्टा बेच के इतना पैसा आता है तो धान बेचे तो उससे ये दुकान भर जाएगी. आप जैसे महापुरुषों से मार खाना सौभाग्य की बात है. एक बार मुझे मार के मुझे धन्य कीजिए. नहीं मैं मजाक में नहीं मारता साहब. मैं आपके पैर खोलता हूँ, मुझे एक बार मारिए साहब. मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बार मार दीजिए बस. सच में मारू? दे. और एक नई गाड़ी, पहले से इतनी गाड़ियां हैं इसे कहाँ रखेंगे? जमीन पर ही रखेंगे, तुम्हारे सर पे नहीं. ये क्या बड़े मालिक, फिर से नई गाड़ी खरीदी, इसे कहाँ रखेंगे? पहले से इतनी सारी गाड़ियां हैं. hey, साहब जमीन पे ही रखेंगे, तुम्हारे सर पे नहीं रखेंगे. पगार नहीं मिलेगी. ऐसा मत करो, इसी तरह रहो. सुनो गोविंद मालिक, गुड़िया अमेरिका से पढ़ाई खत्म करके आ रही है ना जी. वो कौन सी गाड़ी पसंद करेगी किसको मालूम है? सुना है कि नई गाड़ी है इसलिए खरीद ली. अच्छी मालिक बात है. अगले हफ्ते और एक नई गाड़ी आने वाली है. अच्छा. हाँ, उसका नाम है होंडा. गोविंद मालिक, चाहे वो होंडा या बोंडा बुक कर लो. अच्छा मालिक, तो ये गाड़ी कहाँ रखो मालिक? अपने सर पे रखना. ये लो हिसाब, इसमें कार का बिल है और बाकी के रुपए गिन के रख लो. छोटू जी शादी किसी रही? उसका भी हिसाब चाहिए क्या? जो काम दिया वो करो. नई गाड़ी. इस कालिया को दूर रख दे तो गाड़ी का रंग बदल जाएगा. हाँ छोटू जी, लाल गाड़ी काली हो जाएगी. अरे बंसी इस तरह क्या देख रहा है? इस गाड़ी के 8 पहिए सही है कि नहीं देख रहा हूँ? इस गाड़ी के 8 पहिए हैं? हाँ, ऐसे झुक के देखने की जरूरत नहीं. अगर तुम एक ही नहीं तो गिनना सकता हूँ. ये क्या बक रहा है तू? मैं बक नहीं रहा हूँ, तुम हिसाब करना जानते हो ना? हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ. ठीक है गिन लो. इस तरफ 2 पहिए है ना? हाँ है. ठीक है आओ. इस तरफ भी 2 पहिए है ना? हाँ है. दो और दो 4. हिसाब आता है? आओ मेरे साथ. इस तरफ भी 2 पहिए है ना? हाँ है. 4 और 2? 4 और 2 तो 6 ही है. ठीक गिन रहे हो. आओ मेरे साथ.
इस तरफ भी दो है ना? हाँ है। तो 6 और 2 8 हो गया ना? 8 अभी ठीक करता हूँ। सुन कालिए, तू जिंदगी में ये साबित नहीं कर पाएगा कि तू अक्लमंद है और मालिक भी कभी तुझे प्रमाण नहीं करेंगे, तू जिंदगी भर टेम्पररी ही रहेगा, तुझे बोनस भी नहीं मिलेगा। सुनो चंदू, मैं इन सबसे अक्लमंद हूँ साबित करके ज्यादा पगार और ज्यादा बोनस नहीं लिया तो मेरा नाम भी बंसी नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। मालिक, वो काम भी आया। मालिक आइए। मालिक जो धर्म का काम हो रहा है उसे देखो, बीते हुए पाप को क्यों देख रहे हो? बड़े मालिक, वो बेचारी बेचारी बहुत देर से खड़ी है, दीजिए ना। सुनिए। क्या है रानी? मैं भी पिताजी के हाथों एक साड़ी ले लूं। भाभी, आप दान लेने की बात कर रही हैं? तो चुप रहो, मालूम लोग देख रहे। देखो रानी, मैंने कभी तुम्हारे पिताजी के मामले में ना कहा है, वही हमें दुश्मन समझते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आज तक उन्होंने अपनापन नहीं दिखाया, देखते हैं आज क्या करते हैं। जाके आजमा लो। वीना जी, माँ के साथ जाओ बेटी। जी अच्छा। इका मालकिन, आप भी हमारे साथ लाइन में आ रही हैं? आज मैं उनकी बेटी की हैसियत से नहीं, एक आम औरत बन के आई हूँ। फिर भी मालकिन। कोई बात नहीं, चलिए। छोटू, मैं घर जा रहा हूँ, बाकी लोगों को तुम ही दे दो। बस आपका जी भर गया ना, सबके सामने बेइज्जती की। हम किस बात में कम है? जायदाद में कम है, हैसियत में कम है, या शान शौकत में कम है? उसके सामने आप हाथ फैला के खड़ी हो, उसने आपको जरा सी भी इज्जत दी, उससे तो मैं किन के बारे में तू बदतमीजी से बात कर रहा है, मार डालूंगा। तुम्हारे पिताजी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है? आज हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, सच है, लेकिन ये सब कहां से आया? सब इसके पिताजी की देन है। उनके बारे में बुरा भला कहोगे? वो सिर्फ मेरे ससुर ही नहीं, एक तरह से बहने भी हैं। तो इसके भी बहनों ही हैं। मैं उनके घर का दामाद हूँ, न जाने क्यों वो मुझे पराया समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोल देगा। वो सब ठीक है मालिक, छोटी बेटी की तरह विदेश में पढ़ाने की और तरह तरह की गाड़ियों की मांग नहीं की ना, बस उनके हाथों से एक सस्ती साड़ी लेनी चाहिए, इसके लायक भी नहीं समझा उन्होंने। मारो। लगा। शाबाश। इतने जोर से मारा? जोर तो क्यों नहीं मारेंगे, आपके ओवर एक्टिंग की वजह से बेचारे के गाल में कैसे इंडिया मैप बन के देखिए। मुझे माफ कर दे भाई, मेरा गुस्सा तुझ पर नहीं, उस कमीने पर था। उस पर? वही, इनके ससुर जी और तुम्हारी बहनोई जी। हाँ,
और भी कोई रिश्ता हो तो ढूंढ निकालो, फिर भी मेरे भैया को खुददारी नहीं आएगी। आएगी, जरूर आएगी। मैंने दिन गिनना शुरू कर दिया है, पूरा हिसाब करने के लिए एक अच्छा मौका आएगा। पूरा हिसाब तैयार है साहब। पिछले साल ही देखे, मूंगफली बेचने से हमें जो मुनाफा हुआ है वही 14,56,201 रुपये और 35 पैसे है। ए गोविंद, आखिर मैंने क्या पूछा और तुम क्या बोल रहे हो? मैंने शक्कर पूछा तो तुम मूंगफली का हिसाब दे रहे हो? है ना साहब, वो भी तैयार है। शुगर फैक्ट्री से हमें 75,45,876 रुपये का मुनाफा। ए गोविंद, मैं फीका दलिया खा रहा हूँ और तू है कि मुझे शक्कर की याद दिला रहा है। तौबा, मैंने कब शक्कर की याद दिलाई साहब? आपने ही हिसाब मांगा था मुझसे। अब जाने को कह रहा हूँ, जाओ। ये बही खाता यहीं रखो। अरे जो मर्जी में आया करो, पहले जाओ यहाँ से। पता नहीं, जब ये बुढ़िया आती तो साहब का बीपी बढ़ जाता है। तू आ गया छोटू। दलिया खाए बिना चकमा देना चाहते हैं? अरे कैसे खाऊं यार, ना नमक है ना शक्कर। शक्कर? अरे शक्कर की तो हमारी बॉडी में ही फैक्ट्री है। अब तक 3 प्याला खा चुका हूँ रे। एक प्याला और खा लीजिए फिर। टन टन लड्डू। ला 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 ला। पहले दलिया, उसके बाद में लड्डू। खाने के बाद दोगे ना? ठीक है। लड्डू लड्डू देता हूँ, देता हूँ। ला 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 ला। हाँ, ये क्या है रे? लड्डू, बूंदी का लड्डू है। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिख रहा, अब देखिए। बड़ा दिखता है। है ना, आज का कोटा है, खा लीजिए। बड़े मालिक क्या कर रहे हैं आप? पैसे मत दीजिए। बड़े मालिक, बड़े मालिक, पुजारी, बड़े मालिक उसे रोकिए। अरे मत करना। बड़े मालिक उसे रोकिए। मत करना। भाग क्या आप? जाने नहीं दूंगा। अरे छोड़ उसे, रोको। अरे रोको उसे। अरे जाने मत दो उसे। अरे उसे रोको। आपको कितनी बार मना किया उसे पैसे देने के लिए? उन पैसों का वो क्या करेगी पता है? नहीं जीतेगा, मेरा लाल ही जीतेगा। मेरा लाल है। कालिया, एक बुढ़िया को नहीं रोक पाया। छोड़िए, बड़े मालिक आप इन्हें इन्हें निकम्मा बना दिया। अरे महीने में 10 दिन तो उसे खुशी से रहने देना, बाकी के दिन तो रोती रहती है बेचारी। वो रोती है अपने बेटे की वजह से, उसके लिए बंडल के बंडल रुपए देते रहेंगे। आपका काम मुझे अच्छा लगता। ए, उसे मेरी लक्ष्मी बहुत चाहती। हाँ, मालकिन का नाम लेके मेरा मुंह बंद कर दीजिए। अरे साफ हो गया, अब चाहिए। आओ आओ। आई आई इस इलाके में एक भी कौवा दिखाई नहीं देना चाहिए, सबको मार दो। हाँ। जाओ। छोटू भाई, छोटू भाई, कौओं को मारने के लिए शिकारियों को लाए हो? किस रंग के कौओं को मारना ये तो नहीं बताया ना। कौवे का रंग है। चुप। इस जन्म में तो परमानेंट नहीं होगा। ये बात है। अबे वो कौओं को मारने के चक्कर में मुझे गोली मत मारना। आओ। ये क्या मालिक, इतने सारे फौजियों को होते हुए बस एक राजा को मात नहीं दे अबे सकते? ओए, राजा अकेला होता तो कभी का खत्म कर दिया होता। बगल में पहरा देते हुए मंत्री भी तो कड़ा है। यानी जब तक छोटू रहेगा तब तक बड़े मालिक का कुछ नहीं कर सकते? यानी छोटे मोरे के रहते हुए बड़े मोरे का कुछ नहीं होगा? सुनिए जी, क्या है रानी? वीना स्कूल जा रही है, गाड़ी में भेज दे। क्यों, स्कूल पास में ही तो है, तो पैदल जा बेटी। ठीक है पिताजी, बाय मां। हम कोई जमींदार हैं क्या? क्या बात है, बचपन में भीख मांगते थे वो दिन याद आ रहे हैं क्या? क्यों मारते हो, बार बार मारते रहते हो? मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ तो क्या सर बोल दोगे? मेरी जगह तू खेल, मैं भी आता हूँ। अच्छा, हारने के डर से मुझे ही यहाँ बिठा के जा रहे हैं? ठीक है ठीक है। सॉरी। ए, मैं आता हूँ ना, तू यहाँ क्यों आया? दीदी ने भेजा था इसलिए आ गया। ठीक है ठीक है, चल जाके दे दे। और सुन, बोल दे शाम को आऊंगा। जी अच्छा। ये क्या है? उल्टे लोगों को उल्टा प्रणाम करना पड़ता है। तुम्हारे सुबह इस तरह उल्टा प्रणाम कोई नहीं करेगा। क्यों, कुछ देखा क्या? कुछ देखा तो नहीं, खुजली हो रही। मतलब? है पैसे आने से पहले हाथ में खुजली होती है, मेरे पाँव में खुजली हो रही है, सुबह से खुजली आ रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कुछ नहीं देखा। अब ठीक हो जाएगा। और सुनिए, आपके भाई ने मुझे फटाक से मारा, मेरा सर गिर 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 घूम रहा है, लेकिन अब बिल्कुल नहीं घूम रहे हैं। शंभू, हमारे बगीचे के नारियल के पेड़ में पहली बार फूल खिला है, जश्न का इंतजाम करो। अच्छा मालिक।
आपसे मिलने के लिए आई। मुझे किसी से मिलना नहीं। छोटो बाहर जाना है, गाड़ी निकालो। मालिक एक मिनट, कह रही थी जरूरी बात है। क्या बात है पूछ रहे हैं? इस तरह देखने का यही मतलब है ना? आपकी नतनी बड़ी हो गई है पिताजी। हमारे बगीचे के नारियल के पेड़ में फूल आने से आप खुश हो रहे हैं। यहाँ आपके परिवार की पहली बारी सियानी हो गई है। ये खुशखबरी देने के लिए यहाँ आई। ये मेरा बगीचा है, इसलिए जश्न मना रहा हूँ। वो लोग मेरा नहीं है, पैदा करने वाले जश्न मनाए तो काफी है। आप खुशी से वहाँ आएंगे, वही हमारे लिए जश्न है। किसे बुला रही है? मुझे? वो भी उस घर पे? उससे बेहतर है मरने के लिए कहना। पिताजी, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? पिताजी, बरसों पहले गलती से उनके मुंह से निकले एक लफ्ज के लिए जिंदगी भर हमें दूर रखेंगे। जो हुआ उसे हम भूल भी चुके हैं। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं उन नीच हरकतों को, जिसकी वजह से आज भी मेरा दिल जल रहा है। ये कोई मामूली आग है जो पानी डाल के बुझाई जा सके? मेरी चिता जलकर बुझ सकती है, लेकिन मेरे दिल की आग नहीं। तभी जायदाद में से आधा हिस्सा तुझे दे दिया था, उससे अपनी बेटी के लिए जो करना है वो करके जश्न मना ले। मैं कुछ भी करूं, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना सब अधूरा है पिताजी। उसके लिए वहाँ आके आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं, वो यहाँ है, तेरी बेटी का भलाई हो। पिताजी, मेरी बेटी का सबसे पहला जोड़ा मेरे मायके का होना चाहिए। रस्म से पहले लड़की को बाहर नहीं भेजा करते। उस रीति की परवाह किए बिना मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी। अपने हाथों से उसे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इस बहाने समझौता करने का प्लान बनाया है तेरे पति ने, वो इस तरह में नहीं हो सकता। हट जा। और सुन, ये मेरी जन्मभूमि है, इस मिट्टी में मेरी लक्ष्मी की यादें बसी हैं, इसलिए यहाँ रह रहा हूँ। इस तरह बार बार यहाँ आकर मुझे परेशान करेगी तो मैं सब कुछ बेच बाज के चला जाऊंगा। नहीं पिताजी, दूर से ही सही आपको देखकर मैं खुश हो रही हूँ। कम से कम ये खुशी आप मुझसे मत छीनिए। बड़े मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? जश्न मनाने का इंतजाम करूं? नारियल के फूल खिले जश्न के लिए आपने कहा था ना। गांव वाले कुछ भी सोचे, मगर हमारे दिल को जो अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए ना। नारियल के फूल के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे रिवाज को कायम रखने की जिम्मेदारी हम पर है या नहीं? अरे बोलना। नारियल के फूल खिले ना, उसकी खुशी मनाने की बात कर रहे हैं। आप अपने पवित्र हाथों से जो देना है वो दे देंगे, तभी सब खिल उठेंगे। ये नारियल के फूल की बात कर रहे हैं? हाँ वही। हाँ, आप सोच कर रहे हैं जश्न का इंतजाम करूं? मेरा मन कुछ ठीक नहीं है, जो करना है तुम ही कर लो। हट जा, रास्ता दो, हट जा। बड़े मालिक, बड़े मालिक। क्या है बुद्धिराम? बड़े मालिक, देखा आपके ससुर जी ने ढेर सारे तोहफे भेजे। तू सच कह रहा है? बहुत अच्छी बात है, मैंने जो सपना देखा था वो आज सच होने वाला है। धीरे 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 धीरे। अरे वाह, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। भाभी, जो रिश्ता इतने दिनों से टूटा हुआ था वो शगुन की वजह से जुड़ रहा है। अंदर आओ, सब अंदर आओ। आइए आइए, देखा। अंदर चलो, अंदर चलो, चलो 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 चलो। कुछ भी कहो, एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़े लोग ही होते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो काट कर रख दूंगा। मजदूरी करके गुजारा करने वाला नौकर है तू। तेरे हाथों शगुन के तोहफे लेने के लिए मेरी बेटी को अनाथ समझ रखा है। माइके से तोहफा है, ऐसी रानी जी की इच्छा थी, इसीलिए। इसलिए नौकर के हाथों शगुन भिजवाएगा तेरा मालिक। आज तक हमारे दोनों परिवारों के बिछड़ने की वजह तू ही है। अगर उन्होंने भेजा भी तो तू बेशर्मों की तरह इसे उठा के क्यों लाया? नौकर को शर्म कहाँ होती है? नौकर को नौकर की तरह थोड़ी रखा है, सिर पे बिठा रखा है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ए बुद्धिराम, ये क्या? तेरी बुद्धि ठिकाने लगा दूंगा। ए बुद्धिराम, तू क्यों बिचवाता है? तू नौकर है, मालिक मत बन। तुम्हारे यहाँ नौकर मालिक बन सकता, यहाँ क्यों नहीं? नौकरों से क्या बहस करते हो? कह दो सब वापस ले जाए। ऐसा बाहर जा, ले जा सब। जाके अपने मालिक से कहते शगुन की सौगात कोई खैरात नहीं जो नौकर के हाथों ले लो। वो चाहे भेजे या ना भेजे, वो आए या ना आए, उनकी बेटी को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, और उनकी नातिन को भी। उनकी यहाँ अच्छी देखरेख हो रही है, जाके बोल। चल चल। अबे रुक जा, जाके एक और बात बोल देना। नौकर के हाथों भेजे गए उनके तोहफे मेरे पांव की जूती के बराबर हैं। क्या बोलेगा? मेरे पांव की जूती के बराबर है, दफा हो जा। Thank you.
नौकर कहा? मैंने तुझे ऐसे पाला है? सबके सामने उस कुत्ते ने तुझे नौकर कहा और तू सुनकर चुप रहा? उन्होंने गलत क्या कहा? भले ही आपके लिए बेटा जैसा हूं, पर हूं तो नौकर। जान ले लूंगा, आइंदा किसी ने तुझे नौकर कहा तो मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा क्या हुआ है जो आप गुस्सा कर रहे हैं? आखिर तू उस घर में शगुन का तोहफा लेके गया क्यों? क्या क्या मुझे ये हक नहीं है? इस घर में तुझे सभी हक है, लेकिन उस घर में क्यों गया यही पूछ रहा हूँ। जश्न के लिए आप ही ने तो बोला था। ड्रामा मत कर, मैंने तो इजाजत दी थी नारियल के फूल का जश्न मनाने के लिए। मैंने सोचा आपने अपनी नातिन के लिए कहा है। बात मत टाल, तूने जो किया वो गलत है। मैंने जो किया है वो सही है। टांग तोड़ दूंगा, उल्टा जवाब दिया तो। क्यों बे, इसने जो किया वो गलत है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बड़े मालिक। अच्छा गलत है, जो जश्न नारियल के लिए सही है वो नातिन के लिए गलत हो गया है, बोलना। हाँ जी, हाँ जी, छोटू जी। अबे रुकना। नहीं कहा ना रोक। नहीं रुकूंगा। अरे ने 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 ने। बड़े मालिक, छोटा सा ड्रामा किया। ओहो, अरे मेरे बेवकूफ बुद्धू, सिर्फ प्यार जताना ही काफी नहीं है, थोड़ा सा रोष भी होना चाहिए। कुछ भी हो, तेरा वहाँ जाना गलत ही गलत। गाँव वालों के लिए सब कुछ करते हैं, घर की बेटी बाहर आंसू बहाए, क्या ये अच्छी बात है? क्या प्यार से बढ़कर है खुददारी? अरे बोलना। बड़े मालिक, हाँ जी हाँ, भल मानस, हाँ जी हाँ, पर गुसायत, हाँ जी हाँ, बड़े जोशीले, हाँ जी हाँ, है कैसा बीपी चढ़ता है सब गड़बड़ ये, है कैसा बीपी चढ़ता है सब गड़बड़ ये। बाबू जी की बातों में हाजी हाजी करना, नहीं तो समझ लो होगी तकदीर। बाबू जी की बातों में खूब दम रहता, उसको भी कोई कभी ना नहीं कहता। जोश वाला पंच मेरा तू मस का मत लगा, जोश वाला पंच मेरा तू मस का मत ना सुनी तो फाड़ दूंगा, बंदूक से गोली मार दूंगा, हाँ जी हाँ यही करना। बोले बोले गोली कैसे मारेंगे, बंदूक में एक भी गोली नहीं है, हाँ जी हाँ ये सच है जी। आसमां चाहे नीचे आ जाए मैं कभी ना ही बदलूं, जोश में जो नहीं मर्द वो नहीं, मुझो का मायना जान ले। आयो बड़े मालिक है गुस्सा क्यों आया, सुनिए जी गुस्से में तो जलती है काया। बड़े मालिक हाँ जी हाँ, भल मानस हाँ जी हाँ, पर गुस्साया तो हाँ जी हाँ, बड़े जोशीले हाँ जी हाँ। सुनिए जी कमर पे तौलिया बांधिए जी, हाँ जी हाँ यही करना। ऐसी वैसी बातें तू सोचता क्यों, भेदभाव यहाँ तो कुछ भी नहीं, हाँ जी हाँ यही सच है। उम्र वालों का सम्मान करना आपने ही सिखाया, छोटों को माफ करना भी आपने ही बताया। आया रस्ते पे समझा, मुझों को सीधी कर मेरी इज्जत को चमका। बड़े मालिक हाँ जी हाँ, बलवानस हाँ जी हाँ, गुसायत हाँ जी हाँ, बड़े जोशीले हाँ जी हाँ। कैसा पीपी चढ़ता है सब गड़बड़ ये, कैसा पीपी चढ़ता है सब गड़बड़ ये। बाबूजी का गुस्सा तो आंखों में चढ़ गया, आया भी गया भी ठंडा भी पड़ गया, बारिश के पानी की तरह बह गया, छोटू जी का मन भी खुशियों से भर गया। जोश वाला पंच मेरा तू रोशन कर इसका, जोश वाला पंच मेरा तू रोशन कर इसका।
ए छोटू, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। वो कल है, आज बुधवार। हाँ, मैं भी हमेशा से देखता आ रहा हूँ, आप सब कुछ भूल सकते हैं, गुरुवार नहीं भूलते हैं। नहीं भूलूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं नहीं भूलूंगा। बड़े मालिक, आप हर गुरुवार को किसी को बताए बिना अकेले कहाँ जा रहे हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मुनीम पूछ रहे हैं। नहीं, नहीं। इस तरह आपका जाना छोटू जी को भी पसंद नहीं है ना? मैं नहीं कह रहा हूँ, नागमणी कह रही थी। अरे रे, किसी को पता ना चले इसलिए आप खुद गाड़ी चला के जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, चंदू कह रहा है। वैसे आप नासिक ही जा रहे हैं। क्यों रे, कौन कौन क्या क्या बोल रहा है मैंने तुझसे पूछा? नहीं सुन, आज के बाद जब तक मैं ना पूछूं तब तक तू मुंह नहीं खोलेगा। जा मालिक। आज के बाद चाहे कुछ भी हो, पूछे बिना मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों बे, गाल पे हाथ रख के खड़ा है? हाँ, जो पड़ा था वो यहाँ भी गूंज रहा है। हेलो, अरे रे उमा सुनिए, अमेरिका से फोन है। अमेरिका से? मेरे लिए ये होगा, दे दे। यस, छोटी मालकिन, आप कल आ रही हैं? आपके लिए गाड़ी भेजे? ठीक है, भेजेंगे। ठीक है, इधर आ। कहाँ जा रही है? छोटू भैया को बताने जा रही हूँ। मेरे गाल पे जो चांटा पड़ा वो तू भूल गई? जब तक कोई ना पूछे कुछ नहीं बोलना, चल। ये बंसी है तो तू बांसुरी है। गोविंद मालिक, सीताराम जी को 4 लाख देने को कहा था, दे दिया ना? हाँ दे दिया मालिक। ए मदन, गाड़ी में कुछ बदलना था ना? जी आए, कल ही तो बदला था। चुप, गाड़ी में ऑयल बार बार बदलना पड़ता है। गाड़ी में ऑयल बार बार बदलना पड़ता है, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। गुरुवार कल था, जानता हूँ। तो ये गुस्सा क्यों है? मुझे कोई गुस्सा नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है? मैं अच्छा हूँ। तू तो अच्छा ही है, अच्छा रहना है ना। ए बंसी, ये सब अभी क्यों लाए हो? छोटी मालकिन को पसंद है इसलिए बनवाया है। अमेरिका में पढ़ने वाली छोटी मालकिन को तू यहाँ से पार्सल भेजेगा? अमेरिका में बेबी को ये सबसे ज्यादा पसंद है, बूंदी के लड्डू है, देसी घी के। हाय, बूंदी के लड्डू, ये सब बनाने के लिए तुझे किसने कहा है? छोटी मालकिन आ रही है ना, उनके मनपसंद की सभी चीजें बनवाई। क्या बक रहा है तू? हाँ, आजकल मैंने बकना छोड़ दिया। देखिए, छोटी मालकिन का फोन आया था, ये बात आपके ना पूछने की वजह से अभी तक नहीं बताया। गुड़िया ने फोन किया? हाँ, आप पूछ लिया। हाँ मालिक, फोन किया था। कब आया था? कल आया था। उन्होंने क्या कहा? कह रही थी कि वो आ रही है। ये बात अभी बताता है? पूछे बिना कुछ भी नहीं बताना कहकर कल साहब ने मुझे चांटा मारा था, भूल गए? वो तो ठीक है, लेकिन कब आ रही है वो? आज ही आ रही है। आज ही आ रही है? कैसे आ रही है? मालिक ने पूछने के लिए मना किया था ना। सुनिए, उन्होंने गाड़ी भेजने को कहा ना? हाँ हाँ, उन्होंने तो गाड़ी भेजने के लिए भी कहा था। हाँ, भेजने के लिए कहा है? मालिक ने पूछने को मना किया था। बेवकूफ कहीं का, दबाओ जाओ। बोलो तो अभी मारते हैं, ना बोलो तो अभी मारते हैं, चल। गोविंद मालिक, गुड़िया अमेरिका से आ रही है तो सहार एयरपोर्ट उतरेगी। ए सहार एयरपोर्ट, गाड़ी ले जाओ। अच्छा छोटू जी, अगर वो डोमेस्टिक फ्लाइट से आ गई तो? गोविंद मालिक, सांता का एयरपोर्ट भी गाड़ी भेजो। अच्छा मालिक। अगर वो दिल्ली आकर वहां से रेलगाड़ी में आ रही तो? या अगर गुड़िया जी दादर उतर गई तो? वहां कोई नहीं है। hey! ए छोटू, वो बस में भी आ सकती है ना? विदेश में पढ़ी लिखी लड़की बस में क्यों आएगी? अरे अपने देश को देखकर 4 साल हो गए। हाँ। अगर बस में आने का मन किया तो? एक गाड़ी बस अड्डे ले जाओ। बड़े मालिक, अगर वो मुंबई सेंट्रल में आ गई तो? मुंबई सेंट्रल स्टेशन भी एक गाड़ी जल्दी भेज दो। अगर टैक्सी से आ रही है तो सड़क पर नजर रखो। ए छोटू, गुड़िया के आने से पहले मंदिर जाकर अर्चना करवा के आएंगे। गाड़ी ठीक है। मालिक मालिक मालिक, सारी गाड़ियां तो चली गई। वो देखो, वो है ना गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। हाँ घोड़ा गाड़ी, जाके बांध ले। आखिर औकात तो उतरना ही पड़ा। ओहो, गुड़िया रानी हवाई जहाज से आ रही है, रेलगाड़ी से आ रही है या बस से आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इतनी जगह गाड़ी भेज रहे हैं, बस एक गाड़ी अमेरिका भेजने का किसी को ख्याल आया? हाँ, आप कितने अक्लमंद हैं, आपको तो कब का परमानेंट हो जाना था। तू समझती है, वो नहीं समझ रहे हैं ना। चल। लाखों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली,
लेकिन ये लकचिक लकचिक डोंडे का सुख और कहाँ मिलेगा? ये लकचिक लकचिक का सुख छोड़िए, मेरी आतड़ियां बाहर आ रही हैं। ये लकचिक बदन के लिए एक्सरसाइज है यार। हंस क्यों रहा है? एक्सरसाइज नहीं मालिक, एक्सरसाइज। बेटी अमेरिका में पढ़ती है, बाप को एबीडीसी भी नहीं मालूम। अरे छोड़ ना, उस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ तो रुक जाएगी, ये नहीं रुकेगी। वो गाड़ी पंक्चर हुई तो रुक जाएगी, ये नहीं रुकेगी। पंक्चर तो हो गई मालिक, देखो कहाँ। देखो 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 देखो, जोर लगा के। हमारी गाड़ी लगती है? लगती नहीं है, हमारी है। क्यों रे ड्राइवर मदम, क्या हुआ रे? दिखता नहीं क्या, टायर पंचर हो गया है, कैश ट्रबल। इस गाड़ी को हमने कहाँ भेजा? शहर एयरपोर्ट। अरे बाप रे, आज गुड़िया घर आएगी तो ज्वालामुखी फटेगा। ज्वालामुखी नहीं तो कम से कम बम जरूर फटेगा। यहाँ खड़े खड़े जोक मार रहा है, जल्दी से स्टेपनी लगाकर एयरपोर्ट नहीं जा सकता? स्टेपनी दो हफ्ते पहले पंचर हो गई थी। स्टेपनी पहले से ही पंचर है, जानता था, उसमें पंचर लगवाना नहीं जानता था। मैं करूँ भी क्या, दो हफ्ते पहले इसी सड़क से जा रहा था, अगला टायर पंचर हो गया, मैंने स्टेपनी बदली, फिर स्टेपनी भी पंचर हो गई, फिर आगे का टायर बदला। जब सड़क की ऐसी हो तो मेरा क्या कसूर, आप मुझे हथौड़े से मार रहे हैं। हथौड़ा? हथौड़ा कहाँ? ये हाथ नहीं, हथौड़ा है। हाथ से गाड़ी चलने की आवाज आ रही है। ए छोटू, हमारे घर में टैक्सी में आने वाला मर्द का बच्चा कौन हो सकता है? उसे रोक, हम भी जरा देखे। ए, रोको रोको, ये तो सहार एयरपोर्ट की टैक्सी है। एयरपोर्ट की टैक्सी है? ये तो ऐसे बालू जैसे कि सामने कोई भूत हो। क्या समझते हैं अपने आपको? लाडली बेटी अमेरिका में पढ़ाई खत्म करके 4 साल बाद घर आ रही है, एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजना इतना भी खेल नहीं आया आपको? गुस्से का रंग लाल होता है बड़े मालिक, देखिए एकदम लाल हो गया है। हाँ छोटू, हरी भरी गालियां दे रही है। सारी परेशानी का यही है। हाँ। तूने जो भूल की उसके लिए गुड़िया जी से माफी मांग। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, गुड़िया जी को गुस्सा क्यों आया, समझते क्यों नहीं? गुड़िया जी अमेरिका से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के आई हैं, आप लोग हिंदी में बात कर रहे हैं इसीलिए गुड़िया जी को गुस्सा आ रहा है। ऐसे मौके पर अंग्रेजी में बात करने के लिए ही तुझसे पढ़ने को कहा था, सुने तब ना? सुनने की बात नहीं है, अगर मैं स्कूल जाता तो आपकी देखभाल कौन करता, इसीलिए नहीं गया। ये तो सिर्फ बहाना है, इसकी खोपड़ी में मिट्टी भरी पड़ी है, मिट्टी। वो कुछ नहीं मालिक, खाना खाते समय बातें करना गुड़िया बेटी को पसंद नहीं, इसलिए वो गुस्से में है ना बेटिया? हाँ वही देखिए, ये गोविंद का हिसाब है। ए छोटू, बैंगन की सब्जी बहुत मजेदार है, तभी तो इसके सिर पे ताज है, बहुत बढ़िया, इसके जैसी कोई सब्जी नहीं। ए जी, बैंगन की सब्जी इस तरह बेकार क्यों है? तेरे की तभी तो इसका नाम बैंगन है, बिना किसी स्वाद का। तुम सब क्या कर रहे थे, चक्के नहीं देखा? जी मैंने बैंगन मजेदार है कहा तो तूने भी मजेदार कहा, मैंने बेकार है कहा तो बेकार क्यों कह रहा है? मैं आपके नीचे काम कर रहा हूँ, बैंगन के नीचे थोड़ी काम कर रहा हूँ। मेरे तुम्हारे सिवाय और कौन है बेटी, तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता हूँ।
8 साल हो गए तुझे देख के। कैसी है तू गुड़िया? मंदिर में तेरे नाम की अर्चना करके आ रही हूँ। ये ले प्रसाद। इस तरह नाटक क्यों करती हो? तुम्हें जो मिलना था वो पिताजी ने तुम्हें दे दिया ना, फिर ये ड्रामाबाजी किस लिए? तुम लोगों के बारे में पिताजी जानते हैं इसलिए दूर रखा है। बार बार यहाँ क्यों आती हो? शर्म नहीं आती? शराफत से चली जाओ। मैंने ऐसी क्या गलती की है माँ? क्या मैं नाटक कर रही हूँ? आप मेरी गुड़िया कह रही है? सोचा सिर्फ पिताजी मुझसे नफरत करते हैं। मैंने जिसे अपने हाथों से पाला वो बहन भी मुझसे नफरत कर रही है माँ। दीदी 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 मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रही है गुड़िया? मुझे देखने की खुशी में छत पर खड़े हमें देखने वाले पिताजी पर तुमने गौर नहीं किया दीदी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कोई बात नहीं गुड़िया, तुमसे बात करने की वजह से पिताजी रुक जाएंगे इसलिए नहीं, कहीं तुम पर पिताजी और भी गुस्सा न कर बैठे इसी डर से मैंने ऐसी बात की। पिताजी अपना गुस्सा भूल जाएं और हम सब फिर से एक हो जाएं, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ। माँ से भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ। दुखी मत हो प्रभा, जल्दी हम सब एक हो जाएंगे। अरे रो मत, आंसू पोछ लो। अरे हाँ, यहाँ मैं तुम्हारी दीदी और बेटी और मैं। ओके, इतने सारे लोग हैं, अमेरिका से क्या लाई हो हमारे लिए? जाओ जीजू, मैं सबसे नजर छुपा के चोरी छुपे ऐसे ही आई हूँ और आप इनकी तोहफे मांग रहे हैं। तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है प्रभा, तुम आ गई वही बहुत है, जल्दी से घर जाओ। दीदी मंदिर का प्रसाद तूने ही तो मना किया था। चलो। ए वीना तू कैसी है? अच्छी हूँ दीदी। कितने में पढ़ रही है? 9th में। एग्जाम्स कब है? क्यों बे, मेरी साली को इतने प्यार से देख रहे हो? हाँ कुछ भी हो मेरी भाभी की बहन है। भाभी की बहन है बोल के हक जमा रहा। लड़की पसंद है? ए, 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 लड़की पसंद आई कि नहीं, लेकिन इसका शर्मा ना मुझे पसंद आया। कुछ भी हो दोनों परिवार एक हो जाएंगे तो हमारे परिवार को जायदाद मिल जाएगी। हमारे परिवार को नहीं, मेरे परिवार को। चल एक ना एक दिन तुम्हें जायदाद मिल जाएगी, ये सोच के मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे सेवा में बिता दी। नहीं नहीं, 50 नहीं, 50 नहीं, 100 लगाऊंगी। मैं तो 100 लगाऊंगी। छोटी जी गाड़ी रुको। नहीं 100। हाँ बाय बाय मेरे लाल बाय। हाँ छोटू जी वो तुम्हारी दादी माँ है ना? देखा देखा वो बुढ़िया और मेरी दादी माँ वो कौन है मैं नहीं जानता। क्यों नहीं, मैंने उन्हें बचपन में देखा है, वो तुम्हारी दादी माँ ही है। देख लो मर्दों की तरह मुर्गों पे शर्त लगा रही है, उसे तो दादी माँ बोलते हुए भी शर्म आती है। इसमें क्या गलती है? शर्त लगाने में औरत क्या और मर्द क्या, वहाँ फॉरेन में सभी लोग शर्त लगाते हैं। रंजीत तुम? अय्या अय्या क्या कहते हो? क्या कहो? ठीक है ठीक है। ये क्या हुलिया है? लहरी बाबू, मेरा मतलब शहरी बाबू। बात ये है कि प्रभा, अच्छा देखो तुम विदेश से पढ़ के आई हो ना, और ये टहरा गांव यहाँ तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से रहना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया है, ये पिंक शर्ट, पर्पल सूट, पिंक मेकअप। एक काम करो रंजित, रोज कलर कॉटन कैंडी खरीद के अपने हाथ में रख लो ना, तो और भी बढ़िया लगोगे। क्या कहते हो छोटू जी? बढ़िया जी, सर्कस में ऐसे ही पहनते हैं। यानी जो कर टाई और टाइट मत करना, सांस रुक जाएगी। चलो छोटू जी। नौकर को देने वाली इज्जत भी रिश्तेदार को नहीं देती है। क्यों भाई, सिर्फ चाटा खाने के लिए मुझे अपने साथ रखा है?
अपनी मर्दानगी मुझे दिखाने के बजाय वहाँ दिखाओ तो जानू। वहाँ भी दिखा दूंगा। चल चलो। ए बुद्धिराम, उस बुढ़िया को देखा, कितने हिम्मत से बेट लगा रही है। क्यों नहीं, उसके पास पैसे है, वो बेट लगा रही है। हाँ हाँ, गांव के कितनी सारी औरतों के पास पैसे हैं, लेकिन वो सब जुआ थोड़ी खेलती हैं, गुंडों की तरह। बेशरम कहीं। शर्म किस बात की, मुफ्त के पैसे मिलते हैं तो खेलती है। मुफ्त में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो तो मेरी स्वर्गवासी दीदी के हैं। और नहीं तो क्या, नौकरों को पैसे कहाँ से आएंगे? आप जैसे बड़े लोगों को भीख देने से, दान देने से आएंगे। हमें कोई फूटी कौड़ी नहीं मिलती, जहाँ हमें होना चाहिए हमें वहाँ से हटा के गली के कुत्ते भौंक रहे हैं। सही बात कही, न जाने क्या जादू टोना किया है इस पोते ने और उस बुढ़िया ने। अरे इसको कहने से क्या फायदा, दरअसल मेरा जीजा ही बेवकूफ है। ऐसे क्या देख रही है, मुझे नहीं, ये आपके पिताजी को कह रहा है। मेरा जीजा साला बेवकूफ है, इसलिए गली के कुत्तों को पाल कर सारी जायदाद का सत्यानाश कर रहा है। नहीं नहीं छोटू, नहीं नहीं बेटा नहीं। किसे तूने बेवकूफ कहा, कौन किसका साला है? ओ सुनो, क्या क्या बात है, तुम रुको मैं देखता हूँ। इन्होंने तुम्हारे दादी को गाली दिया तुम्हें गुस्सा नहीं आया, अपने जीजा को गाली दे रहे तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? ठहरो, मेरा जीजा मैं गाली दूंगा, वो बेवकूफ है, वो बेशरम है साला, सगी बेटी को घर से निकाल कर कुत्तों को रोटी डालने वाला मूर्ख है वो। Yeah.
इज्जत गई कहकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर गांव वाले मुझे नहीं रोकते तो मैं उसे कुत्ते की मौत मार देता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्कुल? क्या मैंने कहा बिल्कुल? ये बिल्कुल का ढंग ठीक नहीं है। बिल्कुल का तो यही ढंग होता है। तुम्हारी बातों से लगता है ये वहां से मार खा के आया। बिल्कुल। क्या? हाँ ये बिल्कुल पहले सवाल के लिए। उसके बाद वाला? उसके लिए भी बिल्कुल। और अब? अभी भी बिल्कुल। हाँ जी 20 सालों से तुझे पाल रहा हूं। बिल्कुल। और उसके लिए हमारे ही जूतों से हमें मारना चाहिए। बिल्कुल। मुझे बिल्कुल माफ कर दीजिए। सुनिए जी, आप नाश्ता करके बाहर जा रहे हैं ना? बिल्कुल। तो आप नाश्ता करने ऊपर आ रहे हैं ना? बिल्कुल। बहुत देर से इंतजार कर रही हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल तो बिल्कुल चिपक गया है। मत दीजिए, मत दीजिए उसे, मत दीजिए। नहीं दूंगा, नहीं मैं नहीं दूंगा। उसे मुर्गों में जुआ खेलने के लिए मैं नहीं दूंगा। मत दीजिए उसे, मत दीजिए आप। ठीक है, गांव के किसी कुत्ते ने कुछ बोल दिया और तुम मान गए? मेरा लाड़ा है ना, मेरी आंखों का तारा है। हाँ बड़ा है तारा। दे 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 ना। हाँ हाँ, कभी मुर्गों पर शर्त नहीं लगाऊंगी, कसम खाती हूँ। ये बढ़िया, याद रखना तूने कसम खाई है। एक छोटो, उसके बारे में तू नहीं जानता। एक बार कसम खाली तो खाली, अब वो मुर्गे की बाजी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। लेकिन बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, रुक जा, निकाल निकाल, 20 रुपए निकाल। 20 का बाहर दे, देना। अरे देता। पैसे चाहिए? ले ले। नहीं तो वो मुझे दे। अरे देना, मेरे बड़े मालिक के सामने कसम खाकर यहाँ पर क्या कर रही थी? अरे मुर्गों पे पैसे नहीं लगाऊंगी, कसम खाई थी। जुआ नहीं खेलती थोड़ी ना कहा था। कहाँ जाएगी? ये लगा। ठीक है मालिक। ए मालिक किसे बोल रही है? जाने मन यहाँ भी डालो ना। ए जाने मन किसे बोल रही है, बेशर्म कहीं की। ये ले। थैंक्स यार। अरे बाप रे, अंग्रेजी ऐसे एग्रीकल्चर। शाबाश, ये ले। एक तो देर से आती है, ऊपर से मजाक करती है। ए जल्दी काम करो। अरे उनका बदन तो देखो। अरे देखते रेडी को बंद करते। हाय कैसा गबरू जवान। छोटी बीबी जी, वो जो बगला दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक, इस कौवे को देखकर बगला उड़ गया। अरे उड़िया तो उड़ने देना, वहाँ तक हमारे खेत है। और बगला है? वो हमारा नहीं है। वो भी हमारा ही है। छोटी बीबी जी, वो जो डैम है ना, ये डैम किसका बोलने वाले हो? गवर्नमेंट का है बोल रहा था, बीच में तुम टोक दिए। छोड़ दिया तो लाल किला भी हमारा है बोलेगा तू। पसीना आ रहा है, तवल्ले दो। तू ठीक से छतरी पकड़ेगा तो उनको पसीना क्यों आएगा? चल पकड़। वहाँ देखो। मुझे शर्म आ रही है। ए, मैं उनके काम को देखने के लिए बोल रही हूँ। अरे ये क्या, लगाए हुए पौधों को निकाल रही है? अरे पौधे को उल्टा क्यों लगा रही है? और खेत में तस्वीर क्यों बना रही है? अरे तिरछी नजर कैसे? नजर ठीक नहीं है। चेंज एवरीबॉडी। चेंज 10 रुपए काम चलेगा? मैंने कहा उन सबको बदल दो। हाँ, पूरे गैंग को बोलता हूँ। डू इट। हाँ मालकिन, नहीं तो डू इट गाते हुए बैठ जाएंगे। तू भी चल। टॉवल। ये लीजिए टॉवल। हाँ। ये क्या कर रही है? इस तरह रहोगी तो गांव वालों की नजर लग जाएगी। इस बदन पर किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे औरतें किस तरह दिख रही है पता है तुम्हें? मैं उन सबको, उनके देखने पर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो किसे आएगा? शादी करने वाली मैं हूँ। ये गलत बात है। बिन माँ बाप के इस अनाथ को बड़े मालिक ने सगे बेटे की तरह पाला। जहां तक मैं मानता हूँ वो मेरे लिए देवता है। आप उनकी बेटी हो, मुझसे आइंदा आइंदा ऐसा मत कहिएगा। वो किसी ने मुझे दूध लाके नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोटू भाई के लिए दूध है, आपको नहीं पीना चाहिए। मैं जानती हूँ।
कैसे जानती है? वो अभी अभी तूने कहा ना? हाँ मैंने कहा था। रुकिए मैं पहले दूसरा दूध लाता हूँ। पहले ये दूध ले जाके छोटू जी को दो। ठीक है, छोटी मालकिन मालिक से कह के मुझे परमानेंट करा देंगी? ओह श्योर, जरूर कराऊंगी। अब ये ले जाके छोटू जी को दो। जी अच्छा। छोटू जी, मुझसे बच के भाग रहे हो? आज मैंने जो चाहा वो हासिल नहीं किया तो मेरा नाम प्रभावित नहीं। छे, रोज ये फीका दूध पी के जान जा रही है। इधर आ। हाँ मालिक। आज तो मीठा दूध पीऊंगा। क्या है ये? दूध है। किसके लिए? छोटू जी के लिए। छोटू के लिए? बहुत कम है। मालिक 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 मालिक। ये क्या, इस दूध में भी शक्कर नहीं है? आपने पहले पूछा नहीं ना, आप फीका दूध पीते हैं इसलिए छोटू जी भी फीका दूध पीते हैं। बिना शक्कर का दूध पी रहा है, तेरा जवाब नहीं। पिताजी पिताजी पिताजी। बड़े मालिक, बड़े मालिक आप कहाँ हैं? बड़े मालिक आप कहाँ हैं? आप यहाँ? बंसी कह रहा था कि आप बैग की बातें कर रहे हैं। वो ये क्या? वो तू बिना शक्कर का दूध पी रहा है सुन के शौक हुआ था मुझे। ये क्या, आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। वो मेरा गला ठीक नहीं है। ओ नहीं, अंग्रेजी में शौक बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, तू जा। कहाँ जाऊंगा? आपको पता ना आपके पैर दबाए बिना नहीं जाता हूँ। लेटे रही चुपचाप अभी दबा। ये क्या, कहा था ना गला ठीक नहीं है। वो नहीं, कड़क रहने वाले पैर आज इतने नरम नरम क्यों हैं? अरे नरम नरम पैर दबाते मुझे भी अच्छा लग रहा है। फिर से खांस रहे, लगता है आपको जुकाम हो गया। अभी ठीक करता हूँ। ये अमृतांजन छाती पर अच्छी तरह मल देता हूँ, जुकाम गायब हो जाएगा। दिखाइए मल देता हूँ, दिखाइए। नहीं नहीं, दिखाइए मल देता हूँ। रहने दो। अरे कैसे रहने दो आप? अरे बड़े मालिक, छोटू जी नीचे के सो रहे हैं। बड़े मालिक चिल्ला मत, इन्हें कुछ नहीं, बस हल्की सी बेहोशी है। हल्की सी बेहोशी? अरे बाप रे। ओहो, मैंने कहा ना चिल्ला मत, मैंने ही उन्हें दिया था। आपने? हाँ मैंने। किस लिए? दवा में लगी जो दूध तुम्हें भेजा उसे अनजाने में पिताजी ने पी लिया। गुड़िया जी, आप गलत रास्ते पे जा रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है, मैंने बोल दिया। और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। Hey, he man, I know what to do to you, man. छोटो, मेरे खातिर फीका दूध पी रहा है तो? उसने कहा पिया? तुमसे ही पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? बोलो, do you love me or not? अच्छा जी। अच्छा कहा? यानी कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने सोचा आपने अंग्रेजी में गाड़ी रोकने के लिए कहा, इसलिए अच्छा जी कहा। देखो मुझे, देखो अच्छी तरह देखो। मैंने कहा ना मुझे देखो, सर से पांव तक देख लो, आखिरी बार देख रहे हो, देख लिया ना? गुड़िया जी, गुड़िया जी, गुड़िया जी कहाँ जा रही हैं? गुड़िया जी, ओहो कुएं में कूद के मरने जा रही हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना बचाने के लिए। कूदिए कूदिए। वो सब पुरानी तरकीब है। ठीक है ठीक है। ओ, गुड़िया जी, गुड़िया जी, गुड़िया नहीं, गुड़िया जी, गुड़िया जी नहीं, गुड़िया जी नहीं, गुड़िया जी मेरी बात मानो, ऐसा मत करो, सब लोग देख रहे हैं, गांव में हमारी इज्जत चली जाएगी। गुड़िया जी सुनिए, गुड़िया जी गांव वालों ने देख लिया, बड़े मालिक की इज्जत चली जाएगी, लीजिए पहन लीजिए। मुझे वो सब पहनना है तो तुम मुझे सीने से लगाओगे? ये नहीं हो सकता। तो पिताजी की इज्जत पानी में। कहाँ जा रही है? हवा खाने। पहले से बहुत हवा खा चुकी है, वापस चलिए। नहीं चलूंगी, जब तक सारा गांव नहीं देख लेता तब तक उस पंप के नीचे स्नान करूंगी। स्नान पंप के नीचे? इस बेस में? बेइज्जती खराब हो जाएगी। गुड़िया जी वापस आइए। हे मंगू। हाँ भैया। काम बंद करके सबको यहाँ बुला के ले आ। का है भैया? अबे बुलाना। सब आगे बंद करके आओ।
आंख बंद करके काहे बुलाए? ठीक है खोल के आओ। बात क्या है? उस तरफ नहीं देखना, इधर 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 आओ, सब इधर आओ, सब इधर आओ, मुझे देखो। सब लोग आ गए? हाँ सब आ गए। बोलिए क्या बात है? आज किसी की जरूरत नहीं है, सब जाओ। लेकिन भैया मजदूरी? मजदूरी दे दूंगा ना। काम करा के लोग पैसे नहीं देते, आप बिना काम ज्यादा सवाल कर रहे हो, कल काम पे आना है या नहीं? अरे जाओ, सब जाओ, चलो भाई, चलो चलो चलो, चलो जाने दो यार, चलो यार। तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता छोटू भाई, कोई चुंबक की तरह मुझे खींच रहा है। चुंबक भी नहीं, चुंबक भी नहीं, जा छोटू भाई। क्या क्या पंप के नीचे हाथ पर धो के जाऊंगा ना? नहीं, क्यों, किस लिए? बिना पांव धोए जाऊंगा तो बीवी लात मारेगी ना। तो मैं मारता हूँ ना। गुड़िया जी ये पहन लीजिए, मैंने कहा नहीं पहन लीजिए। हमारे खेत के मजदूरों को भेज दिया तो बगल वाले खेत के मजदूर नहीं देखेंगे। जाओ जाओ, आप हमारी अच्छी गुड़िया है ना, हमारी बात मान लीजिए। नहीं पहनूंगी, तुम मुझे बाहों में ले लो तभी पहनूंगी। ये नहीं हो सकता, बात मानिए, पहन लीजिए। मैं ऐसे ही रहूंगी, जाओ। गुड़िया जी छोटे बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, किसने देखकर बड़े मालिक से बोल दिया तो बड़े मालिक को गुस्सा आ जाएगा, मेरी जान ले लेंगे। लीजिए पहन लीजिए, लीजिए। वाह क्या बात है, उन औरतों को तुम्हें घूरते हुए जितना जलन मुझे महसूस हुआ उससे भी ज्यादा जलन अब तुम्हें महसूस हो रहा है ना? औरत और मर्द में फर्क होता है, लीजिए पहन लीजिए। अच्छा बाबा पहन लूंगी, लेकिन तुम पहनाओगे तभी मैं पहनूंगी। मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी होने वाली पत्नी का बदन गांव वाले न देखे ये चाहते हो तो पहना दो, नहीं तो इसे भी निकाल दूंगी। नहीं गुड़िया जी। तू है छोरी कच्ची गली, दिल को चुरा के कहाँ चली, मत कर इतना घुमा, दे दे मुझको चुम्मा। छोरी कच्ची गली, मैं भी तेरी, दे भी तेरा। Oh,
फूलों पे तेरे बोस गिराऊं, आंखों से मैं तुझको दिल में बिठाऊं। हाँ हाँ रबा प्यास मेरे बुझा, हाँ हाँ दिल नशे दिल में तू बसी। छोरी कच्ची गली दिल को चुरा के कहाँ चली। मुझे इतनी सारी अकल देने वाले भगवान ने पढ़ाई क्यों नहीं दी? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। रो रहा है और कह रहा है कुछ नहीं है। बात क्या है बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वादा? पक्का वादा? ओपो अनजाने में चिट्ठी दिखा दी। चिट्ठी किसने भेजी? मेरी लवर ने। लवर ने? तेरी लवर भी है? सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे बाप मेरे दादा मेरे परदादा सब ने प्यार करके ही शादी की। मालूम है तेरे वंश को देखकर ही पता चलेगा कि प्यार अंधा होता है। अच्छा छोड़, तेरी लवर कौन है? तुमसे बताने के लिए मैं क्या बेवकूफ हूँ? तू बहुत अकलमंद है तो मैं जानता हूँ। तेरी लवर ने लेटर लिखा है तो इसका मतलब है कि वो पढ़ी लिखी है। फिर मुनीम की बेटी पढ़ी लिखी नहीं होती है क्या? अच्छा वो मुनीम गोविंद जी की बेटी है। ओ मुंह से फिसल गया। तू फिसल कर ही पैदा हुआ था। वो लेटर दे, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। पढ़ के सुनाओगे? हाँ पढ़ो। सुनो, दीवार के भी कान होते हैं, अंदर जाके पढ़ते हैं। चलो। सुनो मदन, ये मेरा प्रेम पत्र है, धीरे से पढ़ना, कोई ना सुन ले। अरे वाह, लड़की से ज्यादा लिखावट सुंदर। लड़की भी तो सुंदर है ना। अच्छा प्यारे बंसी, मैं हूँ तेरी बांसुरी। अरे मेरा कान क्यों बंद कर रहा है? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम पढ़ोगे तो तुम खुद नहीं सुनोगे, इसलिए कान बंद करके रखा हूँ। जो लेटर मैं पढ़ रहा हूँ मैं ना सुनूं, इसलिए मेरा ही कान बंद कर रहा है। वाह 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 वाह, तेरा तो जवाब ही नहीं। तेरे जैसा अकलमंद न कभी दुनिया में पैदा हुआ है और न कभी होगा। ये चिट्ठी पढ़ने लायक नहीं है, बचाने लायक है। मेरी चिट्ठी, मेरी चिट्ठी। ए छोटू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है। ए छोटू जी, छोटू जी, हम दोनों थोड़ी देर उस मंडप में बैठेंगे ना? नहीं नहीं, बारिश होने वाली है। ओफो, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए घर में मौका ही नहीं मिलता। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कल बात करेंगे, बड़े मालिक भी घर पे नहीं है, आएंगे तो ढूंढेंगे। चलो। हेलो, मालकिन की हैसियत से हुक्म दे रही हूँ, अमल करो। जो हुक्म मालकिन। आइए। छोटी मालकिन पर्वत वाले मंदिर गई हैं और उनके साथ अपने छोटू जी जो हैं। अब इसमें डरने की क्या बात है साहब? शाम से लगातार बारिश हो रही है, रास्ते में कहीं गाड़ी खराब हो गई तो? कुछ भी हो, एक बार जाके देख लेते हैं। मदन तू गाड़ी निकाल। अच्छा मालिक। साहब वहाँ देखिए, वो गाड़ी हमारी ही गाड़ी है ना? हाँ मालिक, वो अपनी 289 है। मैंने तभी कहा था ना, गाड़ी खराब हो गई होगी। ए बाजू में रखना। बहुत देर हो गई, चलो घर चलते हैं। नहीं, क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ कहा कि गाड़ी खराब हो गई है। मैंने झूठ बोला? हाँ, क्या बोल रही? थाली में खाते हो, उसमें छेद करते हो। क्या? प्लीज मुझे कुछ मत करना। पागल हो गई हो क्या? नहीं, तुम पागल हो गए हो। मैं? अच्छी तरह सुन लो, मेरी जान भी जाए तभी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ऐसा क्यों करेगा? मुझे बचाओ। छोड़ो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज। मैं तुम्हारा क्यों कुछ करूँगा? नहीं गुड़िया, ऐसा मत कर। छोटू छोटू मालकिन, क्या कर रही हो? गुड़िया छोटू जी, छोटू जी, मेरे पिताजी तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं भी उन पर बहुत भरोसा करता हूँ। मैं उन्हें धोखा दे सकता हूँ। मेरे पास मत जाना, मुझे छोड़ दो। चलो नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो, पास मत जाना, छोड़ दो मुझे पिताजी। ये सब कैसे हुआ छोटी मालकिन?
गाड़ी खराब हो गई है कहकर मुझे इस मंडप में लेकर आया। बारिश की वजह से गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, इसलिए यही रुकने कहा और मुझे घूरने लगा। मुझे बहुत डर लगने लगा। कोई बात नहीं, पैदल चलकर ही जाएंगे कहा तो। तुम विदेश में पढ़कर आई हो, इतना भी नहीं समझती कह के मुझे पकड़ने लगा पिताजी। तूने क्या किया? तुझे अपने बेटे की तरह पाला, उसके बदले में तूने मेरी बेटी पे हाथ डाला। तू इंसान नहीं है, तू इंसान नहीं है। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं सांप को दूध पिला रहा हूँ। अरे बगावत, आज से तू मर गया मेरे लिए। आइए मेरे चौखट पर कदम नहीं रखना। अबे कैसे पाला था मैंने, अपनी औलाद से बढ़कर तुझे प्यार दिया, उस एक ही वजह से मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। आईना कभी शक्ल मत दिखाना, तेरी जगह कोई और होता तो इस कमीनेपन के लिए मैं उसकी जान ले लेता। चल बेटी चलो, आज से उसका और हमारा रिश्ता खत्म। मत जाओ जी बाबू, मेरी बात सुनो। दोनों परिवार के बीच दुश्मनी और बढ़ जाएगी, मेरी बात सुनो। ए, तू हट जा। चाचा जी मेरी बात सुनिए चाचा जी। ए, तुम बच्ची हो, कुछ नहीं जानती, जाओ। वो मत जाइए चाचा जी, प्लीज। रुक जा, कहाँ जा रहा है? जिसे मैं दिल से चाहता हूँ उस पर एक मामूली नौकर ने हाथ डाला है, जानकर भी तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो? हट जाओ भैया, उसके हाथ पाँव तोड़ने तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तोड़ देने से बदले की आग बुझ जाएगी? नहीं तो क्या, इज्जत गई तो कोई बात नहीं कहकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अक्कल है तुझे, उसे मार के जेल में जाके बैठेगा? कोई बात नहीं, जो हुआ उसे सुनकर हाथ में छुड़िया पहन के बैठने से वही अच्छा है। गांव वाले हमारे मुंह पे थूके से बेहतर है जेल में चक्की पीसना। हटो। नहीं देवर जी, मेरी बात तो जरा सुनिए। मेरे पिताजी आज तक वीरू को सर पर बिठा कर रखे थे, अब उसकी असलियत जानकर उसे घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। ये सजा उसके लिए काफी है। लेकिन तुम्हारी बहन की इज्जत तो गई ना, उसका जो भी जिम्मेदार है उसे मारे बिना छोड़ दो। तो अगर आप उसे मार देंगे क्या उसकी इज्जत लौट आएगी? नहीं, लेकिन मन का गुस्सा कुछ तो कम हो जाएगा। दो दिन शांत रहने की कोशिश कीजिए तो गुस्सा अपने आप थम जाएगा। हाँ भाभी, आप भी तो 15 साल से शांत रह रही हैं, लेकिन आपके पिताजी का गुस्सा कहाँ कम हुआ है। मैं भी वैसा ही हूँ, हट जाइए। उसका गुस्सा होना भी जायज है रानी, जिस लड़की पर किसी ने हाथ डाला उसे कौन शादी करेगा? और हकीकत यह है कि उसे दिल ही दिल में प्यार करता है। मेरा भाई है सिर्फ इस वजह से तुम्हारे पिता उसे भी दुश्मन मानते हैं। सिर जाने दो, उसने मेरी परवाह नहीं की। कोई बात नहीं, तुम्हारी तो बात मान ली, मेरे लिए यही काफी है। अरे सुनो, गाड़ी निकालो। क्यों, वीरू से क्यों पूछना है? मजदूरों को क्या मजदूरी देनी है वो वीरू ही जानता है। मूंगफली किस दुकानदार को बेचने वो भी वीरू ही जानता है। किस खेत में कौन सी दवा छिड़कनी है ये भी वीरू ही जानता है। मालिक मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? छोटू जी के पास। किस लिए? वो ये है कि जो रुपए आए हैं उसे किस किस के नाम से किस बैंक में जमा करना है, इस घर के लिए जरूरी सामान कहाँ से खरीदने हैं, ये सब बात छोटू जी ही जानते हैं। क्यों बे, आज तक ये सारा काम वीरू ही कर रहा था तो तुम सब इस घर पे बैठकर क्या कर रहे थे? गधे चरा रहे थे? ची, घर है कि धर्मशाला? अभी चुप। तू चुप रहा, हम बड़े बात कर रहे हैं। रसोई में क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये जाने बिना सब बैठे हुए हैं। छोटी जी दो दिनों से काम पे नहीं आ रहे, मालूम है ना? ड्राइवर को भेज के उन्हें बुलाइए। दो दिन से तू कहाँ था? समंदर कैसा है देखने के लिए चौपाटी गया हुआ था। उस समुद्र में डूब मर। नमकीन इसका हिसाब करके भेज दे। मालिक, हिसाब दे के ही पैसा दूंगा। फिर साहब के सामने भिखारियों की तरह क्यों चिल्ला रहा था तू? तू कब आया था? तुझे कितना देना बता? मुनीम आप है कि मैं हूँ, अगर आप नहीं जानते तो हिसाब छोटू भाई से पूछ लीजिए। क्या बकवास कर रहा है? मुझे नौकरी से निकाल दिया ना। अरे बंसी क्यों रो रहा? कहाँ जाऊंगा, कैसे जीऊंगा, ये सोच के रो रहा हूँ। ठीक है बंसी, तू रो मत। देखो मेरे घर की देखभाल के लिए कोई नहीं है और मेरी बेटी भी यहाँ काम करती है। तू मेरे घर की देखभाल अच्छी तरह करेगा? करूंगा जी। वो परमानेंट है कि नहीं पूछो। लेकिन ये नौकरी परमानेंट है ना जी? वो तुम्हारे चाल चलन पर निर्भर है। चाल चलन? आज रहा जी।
अरे ये क्या टेढ़े मेढ़े चल रहे हो? अच्छी नहीं है तो चलन देखो है ना, तू परमानेंटली टेम्पररी हो। माँ, वीरू को हमेशा के लिए घर से निकालने के बाद ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, ये मैं जानती हूँ। जल्दी ही पिताजी के मन में दीदी के प्रति जो नाराजगी है उसे मैं दूर कर दूंगी। बिना सोचे समझे जानवरों की तरह मारा, अपनी बेटी के बातों पर विश्वास किया। आगे क्या हुआ, कैसा हुआ, यह भी नहीं पूछा उस बड़े आदमी ने। कम से कम तू तो बता सकता था ना। अरे छोटू, तू रो रहा है, बड़े मालिक ने मारा इसके दुख है। नहीं दादी, बड़े मालिक के मारने का मुझे कोई दुख नहीं। इतने सालों से आज तक एक दिन भी मैं उनसे अलग नहीं रहा, लेकिन आज उन्हें देखे 2 दिन हो गए, इसी बात का दुख है। तू कितना अच्छा है छोटू। देख, किसी के नजर में पड़े बिना तू जाके बड़े मालिक को देख गया, तब तेरे दिल को सुकून मिलेगा। नहीं दादी, अपनी गलती का एहसास कर, जब तक वो खुद मुझे नहीं बुलाएंगे मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। माना कि उस मनोज ने तेरे साथ प्यार का नाटक किया है, तू तो जानता है ना वो मालिक की बेटी है, तो अपना दिल क्यों दे बैठा। पंप सेट के नीचे नहाते हुए जब मुझे उसने अपने गले लगाया, तब भी मैंने उसे अपने दिल में जगह नहीं दी। लेकिन एक दिन, ओफो, ये क्या गुड़िया जी, दिमाग खराब हो गया क्या? सारी किताबें जला रही हैं और फिर जो डिग्री हासिल की थी वो भी आग में डाल दी, क्या हो गया आपको? देखो उन्हें क्यों निकालते हो, वो सब मेरी डिग्री और सर्टिफिकेट है, उन्हें मैं जलाऊं या फाड़ दूं मेरी मर्जी, मुझे रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम उन्हें आग में नहीं डालोगे तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहने वाले मेरे पिताजी की कसम मैं इस खाई में कूदकर मर जाऊंगी। जोश मत आइए, जलाओ। जो जल रहा है वो सिर्फ आपकी डिग्रियां नहीं है, बड़े मालिक ने जो आपके लिए सपने देखे थे वो हैं। कोई बात नहीं, जब मेरे सपने टूट गए हैं तो किसी और के सपने की मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरे अमीर होने की वजह से ही तुम मुझे और मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो ना। ये देखो, मेरे पिताजी ने मेरे नाम जितनी दौलत और जायदाद लिखी है वो दस्तावेज है, ये इन्हें भी जला। गुड़िया जी, ये क्या कर रही हैं? मैंने पहले ही कहा था मुझे रोकोगे तो मैं कूद जाऊंगी। ये देखो, अब मैं सिर्फ प्रभावती हूँ, ना डिग्री है ना दौलत, कम से कम अब तो मान जाओ। बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं? आप कुछ भी कहें पर आप बड़े मालिक की बेटी हैं, मेरी क्या मजाल जो आपसे शादी करूं, आप समझने की कोशिश। Challenge, challenge, challenge.
दुनिया की सैर करके आएंगे हम, सागर के उस पार जाएंगे हम। ये अंबर संसार है हमारा, सागर से भी गहरा ये प्यार है हमारा। चंद्रमा की चांदनी में प्यार करेंगे हम दोनों। सपनों में तू, सांसों में तू, हम दम तू मेरा, मन मेरा, तन मेरा, सब कुछ है तेरा। सपनों में तू, सांसों में तू, हम दम तू मेरा, मन मेरा, तन मेरा, सब कुछ है तेरा। फूलों जैसी सुंदरता, कलियों सी है कोमलता, आंखें तेरी ऐसी छलके जैसे मधुशाला। हो सकता है उस दिन जो कागजात जलाए वो सब नकली हो। वो जानती थी ना कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। भोली भाली बनके इतना बड़ा नाटक किया, वो भी बदला लेने के लिए। आखिर तेरा कसूर क्या है बता? क्यों, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था? मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? मैंने कभी चाहा कि मैं तुमसे शादी करूं? हैं, उस दिन मंदिर जाने के लिए किसने बुलाया था? मना करने पर भी मंडप पे कौन ले गया? जो करना था वो करके इल्जाम मुझ पर लगाया। अगर मैं चाहता तो तुमने सोचा बेचारी लड़की सोच के मैं खामोश रहूंगा? बिल्कुल नहीं। मुझ पर भरोसा रखने वाले मेरे बड़े मालिक ने मुझे कसूरवार ठहरा कर सजा दे दी। उनकी खातिर, सिर्फ उनकी खातिर मैं उस दिन चुप रहा, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? बोलो, बोलो। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, तुम्हें हमारे घर से बाहर करना। तुम पर जान छिड़कने वाले पिताजी से तुम्हें नफरत कराना। मेरी दीदी का परिवार 15 सालों से मेरे पिताजी से दूर है, तो उसकी एक ही वजह है, तुम। यही नहीं, हमसे हमारी माँ को हमेशा के लिए छीन लिया था तुम ही ने। फिर भी तुम्हारी हमारे घर में बड़ी इज्जत है, सब पर तुम्हारी हुकूमत है। मैं सगी बेटी हूँ, फिर भी मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें प्यार में फंसा कर धोखा दिया। समझ गए?
गुड बाय। ओफ ओफ ओ, पेट पे चूहे कूद रहे हैं। क्यों बापू, बहुत भूख लगी है? हाँ बेटी, इडली लाने के लिए उस बंसी के बच्चे को भेजे, 2 घंटे हो गए, देर न कर दे इसलिए अपनी गाड़ी भी दे दी मैंने। आ गया, बहुत खुशी की बात है। आओ, आओ, आओ। क्यों बे, क्यों इतनी देर कर दी तूने? मुझे इसे भी धकेलना पड़ा, अगर ये ना होती तो दौड़ के जाता, दौड़ के आता। यानी तुझे बाइक चलाने नहीं आती? फिर लेके क्यों गया? आपने ले जाने को कहा, ले गया। किस्मत खोटी है मेरी। ठीक है, भूख के मारे जान जा रही है, इडली कहाँ? वो देखिए गठरी में आ रही है। गठरी में ला रहे हैं? अरे भाई इन्हें यकीन नहीं हो रहा है, गठरी खोल के दिखा। अच्छा जी, इतनी सारी इडली क्यों लाए? और नहीं तो क्या, 494 रुपए में इतनी इडली तो आएंगी है ना? 494 रुपए की इडली? फिर बोलने के लिए बोल देते हैं, फिर भूल जाते हैं। मैंने नागमणि। नागमणि क्या है जी? क्या है जी? उस वक्त तुम्हारे बापू ने मुझसे क्या कहा था? जरा रुकिए, मैं सोच के बताती हूँ। क्यों बेटी, फ्लैशबैक में जा रही हो? हाँ बापू। बाप रे बाप, बड़ी भूख लगी है। तू रामबर से होटल जाके खाने के लिए कुछ ले आ। मुझे भी लग रही है। तू भी कुछ खा लेना और मेरे लिए सिर्फ इडली ले आना। देखो ये नोट कितने का है जानता? मैं कोई बुद्धू हूँ जो इतना भी नहीं जानता? 500 रुपए का नोट है। आई शाबाश, ऐसा कह रहा कि जैसे तूने ही से छापा। ठीक है, भूख लगी है, गाड़ी ले जाके जल्दी से ले आ। बस यही हुआ था। क्यों बे, छुट्टा नहीं था इसलिए 500 का नोट दिया तो पूरे 500 की इडली ले आया। तुझे तो इडली से मारूंगा। नहीं बापू, अरे बापू, भूख लगी है बेटी। हाँ, चटनी सांभर कहाँ है बे? दिया था। वो कहाँ है? मैंने ही मना कर दिया। किस लिए? यही तो, आप बार बार भूल जाते हैं। नागमणि, तुम्हारे बापू ने क्या कहा था? ओफ ओफ ओ, बिना चटनी सांभर के इन इडलियों की बातों को लेकर कितनी बार फ्लैशबैक में जाओगी? तू भी कुछ खा ले और मेरे लिए सिर्फ इडली ले आना, ये लो। इन्होंने ठीक से नहीं समझा, फिर से बोलो। मेरे लिए सिर्फ इडली ले आना। ओफ ओफ ओ, इन इडलियों से मैं तुझे दफना दूं। से यहां से भाग जा। अरे भाग जा बापू, अगर आपने इन्हें यहां से निकाला ना तो मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इनसे नहीं। तेरी और इस काले की काली प्रेम कहानी सुनने की ताकत मुझ में नहीं है बेटी। ये काला कौवा ही तेरी जान है, इसके बिना तो जिंदा नहीं रह सकती, कहने वाले इतना ही ना। हाँ बापू। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? तू एक अकलमंद आदमी है, ये सारी दुनिया के तेरी शक्ल के लिए सारी दुनिया क्यों? इन गाँव वालों के सामने साबित करो तो नागमणि कहा तेरे हाथ में दे दूंगा। फिलहाल तू दफा हो जा, दफा हो जा। आइए आइए मलिक, मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे, आप क्यों आए? खबर कर देते तो मैं खुद आ जाती। बैठिए बैठिए। छोटू शहर गया है, वहाँ किसी दुकान में काम कर। नसीब है, उसे कौन बदल सकता है? मैं उसे देखने के लिए नहीं आया, तुम्हें देखने आया हूँ। तुम तो हर हफ्ते पैसे लेने के लिए आती थी ना, 2 हफ्ते से क्यों नहीं आई? मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी है ना। ये लो, रख लो। नहीं चाहिए मालिक। तुम्हारे पोते को घर से निकाल दिया इसीलिए? ये तुम्हारे पोते की नहीं, तुम्हारे बेटे की तरफ से ये जिम्मेदारी है मेरी। उस दिन पूरी दुनिया के लिए मेरा बेटा गुनहगार था, पर आप जानते थे कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। आज मेरे पोते ने भी कोई गलती नहीं की। जब आप सच्चाई जानकर उसे दोबारा काम पे बुलाएंगे तभी मैं ये पैसे लूंगी। तुम्हारे पोते ने जो हरकत की है अपनी आंखों से देखा है, उसके बारे में बात करते हुए भी मुझे घिन आ रही है। रुपए लेती हो या नहीं? नहीं मालिक। ये गुरूर कब तक रहेगा मैं भी देखता हूँ। यो, सब लोग घर का काम छोड़कर बाहर क्या कर रहे हैं? है? बड़ी बीबी और दामाद जी घर आए। वो अपने साथ बिरादरी के लोगों को भी लाए हैं, हम मना नहीं कर सके। शकुन भी लाए हैं मालिक। मालिक,
15 साल हो गए ये रिश्ते नाते तोड़कर, इतनी हिम्मत की दोबारा इस घर में कदम रखे? किस कहने ने यहाँ बुलाया है? पहले इन सबको धक्के मार के बाहर भेज दो। उन्हें मैंने ही बुलाया है। क्यों बुलाया है? ताकि आप उनसे मेरी शादी की बात करें। तुम्हारी शादी की बात करने वाले वो कौन है? वो मेरी दीदी है, आपकी बड़ी बेटी। जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी दिन रिश्ता भी खत्म। एक बार शादी करके ससुराल जाने के बाद बेटी क्या बेटी नहीं रहती? ए, बहस मत करो, उन्हें तुमने बुलाया है, तुम्हें बाहर भेज दो। हमने कौन सी गलती की है ससुर जी? फिर कभी ससुर जी कहा तो मार डालूंगा। अच्छा, जब आपकी छोटी बेटी की इज्जत गई थी तब क्यों नहीं मारा? वो मेरा अपना मामला है। ये भी मेरा अपना मामला है। क्या है तुम्हारा मामला? वो जो घड़ी है ना, वो मेरी मुंह बोली दीदी की बेटी है, वो मुझे चाहती है इसलिए उसका हाथ मांगने आए हैं। चप्पल से मारूंगा। तुम्हारी मुंह बोली दीदी के साथ रिश्ता भी खत्म। मेरी बेटी की शादी किससे करवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मेरी शादी के लिए मेरी पसंद भी तो होनी चाहिए। ओ, इसे पसंद कर रही है शादी करने के लिए? नहीं, माँ का प्यार और ममता क्या होती है मैं नहीं जानती। कम से कम उस घर की बहू बन के दीदी से माँ का प्यार पाने की ख्वाहिश है मेरी। तुम्हारी ख्वाहिश मेरे जीते जी पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मेरी शादी के लिए आपकी इजाजत नहीं चाहिए। अब मैं मेजर हूँ। तू किससे बात कर रही है बदतमीज? वो हमें जन्म देने वाले पिता है, उनके मर्जी के बगैर तो समझती है तेरी शादी हो जाएगी? तू मेजर हो गई है? आज तक तुझे पलकों में बिठाकर किसने पाला पोसा? विदेश में क्या पढ़ लिख कर आ गई? जो जी में आए बोल देगी? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। किसी तरह दोनों परिवारों को मिलाने की लालच में इनकी बातों में आकर मैं यहाँ चली आई। अपने पसंद के किसी अच्छे लड़के के साथ इसकी शादी करा के कम से कम इसे अपने दिल के करीब रखी। मिलते हैं पिताजी। क्यों मिलते हैं कह रही हो भाभी? इस जन्म में ये दोनों परिवार एक नहीं हो सकते। जा रहे हैं बोल के आइए। सब आ जाओ। गोविंद मालिक, उन चीजों को बाहर फेंक दो। अच्छा मालिक। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बेटी रो मत बेटी, जो हुआ अनजाने में हुआ, कोई बात नहीं। अरे सुबह सुबह ये गांव वाले दीवाने की तरह कहाँ भाग रहे हैं? अरे बुद्धि रुक जा। अरे कहाँ जा रहे तुम? हैं तुम विरोधी दल वाले हो इसलिए तुम्हें बताना नहीं चाहिए। फिर भी तुम एक जवान लड़की के बाबू, इसलिए बता देता हूँ। वो अपना बंसी है ना, वो अपने हाथों से काली पहाड़ उठाने वाला है। अरे रुको रुको रुको, बंसी का बच्चा काली पहाड़ उठाएगा? तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है? अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है, वो तो सारी दुनिया समझती है, इसलिए 10 रुपए की टिकट लेके सब जा रहे देखने के लिए। बापू बापू मैं भी जाऊँ? अरे तुम, मैं देखा था चल। अरे वो मेरी बेटी, उसे छोड़ो। सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। अरे सुनो, हनुमान जी की तरह पर्वत को उठाना है, जरा दबा के मालिक। वो पहाड़ को नहीं, तुझे उठाने वाला है। अरे ये क्या बोल रहे हैं मुनीम, उस पहाड़ को उठाना आसान है लेकिन इस पहाड़ को उठाना मुश्किल है। हाँ हाँ, जवान लड़की को देखते ही सफेद बाल वाले बूढ़े को भी मजा खुशता है। मैं तैयार हूँ। अरे कहेगा तैयार, पहाड़ उठा। वो यहाँ तक पहलवान आ जाओ। किस लिए? उस पर्वत को उठा के मेरे हाथ पे रखने के लिए। अरे मैं पहले से बोला ना, ये यहाँ जरूर कुछ ना कुछ फिटिंग करेगा, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अरे तुम्हारी बात तो तुम्हारी बेटी नहीं मानी तो हम क्या मानेंगे? ये है उल्लू की पट्टी। क्यों, कोई पहलवान नहीं है तो पूरे गाँव वाले आ जाओ और उस पर्वत को उठा के मेरे हाथ पे रखो, तब मैं अकेला उठाऊंगा। अरे ये सब गाँव वालों को बेवकूफ बना रहा, आज इसे नहीं छोड़ूंगा, आज इसकी पिटाई करके रहूंगा। उसे मत मारो। क्यों क्यों उस भोले भाले पर प्रहार कर रहे थे तुम सारे? हाँ भोला भाला। और ये हाँ स्वामी, आपने मेरे प्रीतम को बचाया, उसके लिए थैंक्स। इधर आओ कन्या। किस विद्यालय में पढ़ी हो? को एजुकेशन। दैट्स वंडरफुल। अरे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा पास मत जा, यहाँ से बात कर। ओके ओके, गांव वालों के सामने अकलमंदी ये साबित करने से अपनी बेटी से इसकी शादी कराओगे बोला था? हाँ बोला था। अब मैं बोलता हूँ, इन सभी गांव वालों से यही सबसे ज्यादा अकलमंद है। वो कैसे? श्री कृष्ण और हनुमान जी के सिवा किसी ने पर्वत उठाया क्या? नहीं नहीं। हाँ, अनहोनी को होनी कराऊंगा ये विश्वास दिलाकर सबसे 10-10 रुपया वसूल करने वाला यही सबसे बड़ा अकलमंद है। ये पॉइंट जरूर गौर करने लायक। एक अकलमंदी दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, इज वेरी ब्राइट।
अब मानते हो या नहीं? वो मान गए इसलिए दिल का दौरा पड़ गया। स्वामी जी स्वामी जी, आपका आशीर्वाद हो तो अगले हफ्ते मैं पानी पर चलूंगा, उसके बाद जमीन पर तैरूंगा। अच्छा, तो जमीन पर तैरो देखते हैं। मैं स्विमिंग सूट नहीं लाया। बकवास बनकर, तो पानी में चल या जमीन पर तैर, मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरी बेटी के साथ गृहस्थी ढंग से चलाएगा या नहीं? स्वामी जी कहेंगे तो चलाऊंगा, लेकिन स्वामी जी की तरह लंगड़ा के नहीं चलना। जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, पकड़ डंडा। इधर हाथ मिला लो, सब ताले बजाओ। मैं चलता हूँ। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, ये मेरे नाक में नहीं, क्या हाथ है? ओ सॉरी, मैंने अपना डंडा समझा, सॉरी। स्वामी जी हो तो ऐसे, लड़की और डंडे में फर्क मालूम नहीं। ये हिम्मत अंदर से कैसी आवाज है? मालकिन मालिक अंदर टीवी देख रहे हैं। मालकिन इतनी जोर की आवाज के साथ? वो इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं मालकिन, उसमें डिशुम डिशुम ज्यादा होता है ना, वही देख रहे हैं मालकिन। सुबह सुबह फिल्म देख रहे हैं और रात में दूसरी फिल्म देखते हैं ना मालकिन, इसलिए सुबह सुबह अंग्रेजी फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, हट जाओ। क्यों मालकिन? कॉफी देना है। ठीक है। टॉवल बिटिया तौलिया भूल गई मालकिन, आप ले आके दे दीजिए, मैं कॉफी अंदर दे देता हूँ। टॉवल भी ले जा। बाप रे, मालिक 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 मालिक, इसे छोड़ दिए, इसे छोड़ दिए, कहीं मालकिन को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी, इसे छोड़ दीजिए। उठ, गौर से सुन, टाइम पे घर पे पैसा आ जाएगा, तू यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। चल भाग, चल भाग यहाँ से, और कभी नजर मत आना। बच गया साला। सुनिए मालिक, बिटिया की शादी कर देना ही बेहतर होगा। अबे चुप कर, वो अभी तक बच्ची है, इतनी जल्दी शादी? सही कहा, आपके छोटे भाई की शादी अभी तक नहीं हुई और होगी भी इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों 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 कह रहे हैं? आपका भाई आपकी साली के सिवा किसी और से शादी करेगा नहीं, और आपके ससुर जी अपने जीते जी अपने बेटी की शादी आपके भाई से करेंगे नहीं, तो शादी भला कैसे होगी? पकड़िए जी, पकड़िए जी। जब तक वो बुड्ढा जिंदा है तब तक नहीं होगी, मरने के बाद तो होगी ना। मैं भी सबर की इंतहा तक पहुंच गया हूँ। सुना है कि बुड्ढा बेटी के लिए बाहर रिश्ता ढूंढ रहा है, मेरी नजर उस जायदाद पर है, मैं उसे कैसे छोड़ूंगा? आपको लड़की चाहिए या जायदाद? दोनों चाहिए। ओहो, तो एक काम कर, बाहर से कुछ गुंडों का इंतजाम करके बुड्ढे को ऊपर पहुंचा। बाप रे, नहीं, ये बात अगर वीरू को पता चली तो वो मुझे ही ऊपर पहुंचा देगा मालिक, मुझे मत फंसाइए मालिक। कम से कम ऐसे मालिक सुन, वीरू हमसे भी ज्यादा खुददार है, वो बुड्ढे का नाम तक नहीं लेगा, फिर भी वो जब गांव में नहीं हो ये काम कर दे। रास्ता बंद है, ठीक है इधर से चलो। तीज मालिक, Ah!
नहीं, किसने भेजा है तुम लोगों को? बोल। नहीं, वरना जिंदा नहीं लौटोगे। बता दो, किसने भेजा है तुम्हें? बता दो। बोल, जल्दी बोल। कुछ नहीं हुआ मालिक, रहने दीजिए। जेल से तुझे आजादी मिल गई शेरू? जी मालिक। ये क्या मालिक, धूल मेरी आंखों में गिरी है, आंसू आपकी आंखों में? आंसू तो मेरी आंखों से निकले हैं, लेकिन उसमें तेरी जिंदगी बह गई। बीती बातों को क्यों याद कर रहे हैं मालिक? पहले ये हाथ नीचे कर। आपकी पकड़ में कोई बदलाव नहीं आया मालिक। लेकिन मैं बदल गया हूं रे, मुझे माफ कर दे। दो हफ्तों से तुझे देखने जेल भी नहीं आया, उसकी कुछ वजह भी है, घर जाके बात करेंगे। आप घर जाइए मालिक, मैं रानी विजय को देख कर आता हूं। 15 साल जेल में रह के आया, सोचा आते ही अपनी औलाद को देखने के लिए तड़पेगा, लेकिन पहले मेरी बेटी को देखना चाहता। उससे तो मैं बाद में भी मिल लूंगा मालिक, आप घर जाइए, मैं बिटिया से मिलकर आता हूँ। शुक्लां वरघरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। सुनिए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। तुम ही लगा दो, हर रोज तुम ही लगाती हो ना रानी। भगवान की कसम खा के कहता हूँ, तुम अभी भी जवान लगती हो। ब्याहने लायक लड़की घर में रख के आपको मस्ती सूझ रही है, जाइए। सॉरी अंकल, आई एम सॉरी अंकल, कहीं लगी तो नहीं? खून निकल रहा है, माँ जरा दवा तो लाना। आई एम सॉरी अंकल, मेरी गलती है। तुम रानी जी की बेटी हो? जी हाँ अंकल। माँ क्या हुआ, जल्दी से दवा लाइए ना। कहाँ चोट लगी? मुझे नहीं, अंकल को लगी है। लगाइए ना माँ। मैंने दवा लगाने को कहा और आपने फेंक दी। 15 साल पहले लगा जख्म अभी तक भरा नहीं, अभी लगे जख्म पर दवा लगाने को कह रही है? चल अंदर। ए शंभुनाथ, हर ऐरे गैरे को अंदर क्यों आने देते हो? धक्के देके बाहर निकालो। हाँ, सदा सुखी रहो। गोविंद मालिक, अभी ये तुम्हारा दामाद बन गया ना जी, इसे फिर से काम पे लगा। जी मालिक। मालिक मालिक, अब तो परमानेंट हो ना। जब मैं खुश हूँ तब तूने पूछा, तुम परमानेंट ही हो। बेवकूफी छोड़कर काम में अकड़बंदी दिखा। अबे चंदो। जी मालिक। तुमसे खाने का इंतजाम करने को कहा, किया कर दिया, तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाके अपना काम देखो। मालिक इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, आखिर कौन आ रहा है? मेरा जिगरी दोस्त आ रहा है। हाँ अरे भूल गया, हम दोनों खाना खाने के बाद घूमने चलेंगे, वो पुरानी घोड़ा गाड़ी है ना, उसको तैयार रखो। घोड़ा गाड़ी? हाँ भाई, उसे घोड़ा गाड़ी बहुत पसंद है, जाओ जाके जल्दी तैयार रखो। हाँ नागमणि। हाँ मालिक। खाना खाने के बाद उसे मीठा खाने की आदत है, वो आदत मैंने ही डाली थी। घर में मोतीचूर का लड्डू है ना? हाँ है। वो 40-50 रख लो। जी। अबे तुझे नौकरी दे दी ना जी, परमानेंट भी किया ना, फिर यहाँ क्यों खड़ा है? जाके पान सुपारी वगैरह तैयार कर। जा जी मालिक। ये क्या,
ये तू क्या कर रहा है? ये मेरा ही तो काम है ना मालिक। तू मेरा नौकर नहीं है, हाथ नहीं देखा। तू मेरा दोस्त है यार, जिगरी दोस्त। अरे अब तक ये तेरी गुदगुदी नहीं गई यार? मुझे कोई गुदगुदी नहीं होती मालिक। अच्छा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा उन्हें रहने दीजिए मालिक। अबे मालिक कहता है इधर आ। हाँ शेरू, एक बार मुझे अबे बोलना। ये क्या मालिक, अच्छा नहीं होगा। अरे अरे बोलना। अच्छा नहीं होगा? अरे एक बार बोलना। मैंने कहा ना अच्छा नहीं होगा। बोलता है कि नहीं? जा बे। कितने दिन हो गए इस तरह दिल से हंसकर। चलो खाना खाते। क्यों शेर, बच्चे को देखा? हाँ देखा, रानी बिटिया को भी और उनकी बच्ची को भी, बहुत सुंदर है। मैंने पूछा अपने बेटे को देखा कि नहीं? उसे तो यहीं देख लूंगा ना मालिक। वो यहाँ नहीं है, अपनी दादी माँ। क्यों, उसका दिमाग खराब हो गया है? क्यों नहीं आया? मैंने ही उसे निकाल दिया। क्यों? उसने एक गलती की। गलती? कैसी गलती? हाँ छोड़ना यार, वो मैं खुद भूलना चाहता हूँ। चल। मेरे घर तुम क्यों आए हो? निकलो बाहर। गुड़िया, गुड़िया, छोड़ दो उसे। क्या कर रही हो तुम? प्रभा, कहाँ ले जा रही हो उसे? रुक जाओ। इस घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से, निकलो बाहर। प्रभा, हमारे परिवार की खुशी छीनने वाले इस नीच आदमी को अपने घर लाते हुए आपको शर्म नहीं आई? नहीं, मुझे शर्म नहीं है, जानते हो उसे? मालिक, घर की चौखट पे कदम रखने का मन कैसे हुआ? जिस घर को तबाह किया वही डेरा जमाने आए हो। और यहाँ सोने से तुम्हें नींद आएगी, यहाँ का खाना तुम्हें हजम होगा। तुम्हें लाज शर्म हया खुद्दारी कुछ है कि नहीं? तुम्हारी जेल की सजा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस घर की तरफ से तुम्हारी जो सजा है वो अभी खत्म नहीं हुई और इस जन्म में कभी खत्म नहीं होगी। जाओ यहाँ से, निकलो बाहर। क्या समझती है आपको? कौन है, कहते हो, किस पर हाथ उठाए तुमने? मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार मुझे उसे। कोई बात नहीं मारे, जाके तुझे उसे। ए, मेरे पिताजी मुझे गाली देंगे, मारेंगे, जान ले लेंगे। पूछने वाले तुम कौन हो? तुम लोगों को दूर रखने के लिए ही मैंने नाटक करके तुम्हारे बेटे को भगा दिया था। अब तुम आ गए हो, निकलो यहाँ से, चले जाओ, शराफत से निकल जाओ। क्या कहा? छोटू को नाटक करके बाहर निकलवा दिया? हाँ पिताजी, जिसकी वजह से आपने अपनी बड़ी बेटी को घर से बाहर किया, वही दो कौड़ी का नौकर हमारे घर पे मालिक की तरह हुकूमत कर रहा था, यही मुझे अच्छा नहीं लगा। उसी वजह से मैंने उस दिन वीरू पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे आपसे अलग कर दिया। मालिक, शेरू मुझसे गलती हो गई, मेरे गलती के शेरू। नहीं मालिक, नहीं, आपने गलती नहीं की है। गलती तो मैंने की है मालिक, मेरा गांव में आना किसी को भी पसंद नहीं, ऐसे में गुड़िया बेटी को कैसे पसंद आएगा? मैं जा रहा हूँ मालिक, जा रहा हूँ। देखिए ना, बचपन में कान छिदाते वक्त भी ना रोने वाली गुड़िया बेटी अब कैसे आंसू बहा रही। मालिक, अब आप गुड़िया बेटी पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे, अगर उठाया तो बिटिया के मन को ठेस पहुंचेगी। हाँ बिटिया, अपने पिताजी का बुरा मत मान, भगवान तुम। अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से जाएगा, बड़े कलेक्टर है। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इस तरह से रो रही हो? जल्दी से खाना लगाओ। हाँ, दे दियो। इस तरह झुंझला क्यों रही हो? अभी थोड़ी जा रहा हूँ, शहर में घर मिलने में टाइम लगेगा, उसके बाद ही जाऊंगा। अच्छा, ये बता गांव में क्या तकलीफ है जो गांव छोड़ के जाने की बात कर रहा है? जेल से छुटके आ रहा है तेरा बेटा, मुझे उसकी शक्ल से नफरत है, इसीलिए जा रहा हूँ। क्यों, मेरा बेटा क्या कहता है, अपना बाप क्यों नहीं कहता? बड़े मालिक के परिवार का बुरा करने वाले को उस नाम से बुलाने वाला मैं कोई पागल नहीं हूँ।
याद करने से भी दिल जलता है। उस लड़की ने मुझे और बड़े मालिक को अलग करने के लिए नाटक जो किया उसकी वजह भी तेरा बेटा ही है। ए! बस बस अपने लाडले के लिए बहस मत कर, आके खाना परोस। परोसती हूँ, खुद परोस ले। हाँ परोस भी लूंगा, खा भी लूंगा। मेरे बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, तू कैसा है बेटा? तू अच्छा है ना? तुझे देखने मेरी आंखें तरस गई। तेरे आने की एक खबर कर देता तो मैं स्टेशन पे आ जाती ना। हंसता क्यों है? मैंने रेलवे स्टेशन कहा था, तू जहाँ था वो स्टेशन पे नहीं। वहाँ पे तो मालिक के सिवा और किसी को आने से मना किया था ना। हाँ माँ, वहाँ मेरी हालत देखकर तुम दुखी हो जाते, इसलिए मना किया था। अच्छा माँ, तुम कैसी हो माँ? मुझे किस बात की कमी है? तू मुझे जिस तरह देखता है वो भी मुझे देखता है। उसी में मैं तुझे देखती हूँ। एक झलक देखने को मन कर रहा। किसकी? अपने बेटे की। उसमें क्या, चल अपने बेटे को देखने के लिए मुझसे क्या पूछता है? वो क्या है कि वो तुझ पर थोड़ा सा नाराज है, अभी देखने के बजाय चार दिन के बाद, क्योंकि उसने अगर तुझे कुछ कह दिया तो मैं सह नहीं सकूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं फिर कभी आके देख लूंगा। शेरू, मैं तेरा दुख समझती हूँ, अपने बेटे को देखने के लिए दिल तड़पता होगा। तो एक काम कर, यहाँ के बजाय पिछवाड़े खिड़की के पास आ जा, उसके जाने बिना तुझे तेरे बेटे को दिखा देंगे। हाँ चल चल। क्यों रे राजा, खुद परोस के खा रहा है? तूने ही तो कहा था। खा ले खा ले। मक्खियाँ बेटा, मक्खियाँ। सर में जुए हैं। राजा, तेरे नाक पे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, अभी दिखाती हूँ। तो कितना ही मस्का लगा ले, मेरा गांव छोड़ के जाना पक्का है। ठीक है चले जाना। ये देख, कहा ना कुछ नहीं है, खाने दे। तो रो क्यों रही है? कुछ नहीं। तू भी मेरे साथ चल, मैं तेरे बेटे से अच्छी देखभाल करूंगा। मेरा राजा बेटा, तू अच्छी देखभाल करेगा, मैं जानती हूँ तू अच्छी देखभाल करेगा। ये आईना किस लिए? अपनी खूबसूरती देखते हुए खाना खाओ, ला इधर। मत जाना। हाँ बेटा, खाना खाते ही मत जाना, आराम से जाना कह रही थी। मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, यही बैठ कर आराम से खाना, आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। थोड़ा तो ठीक ही है। देख लिया बेटा, एकदम तेरे जैसे ही है ना। अब जा बेटा, जा। शेरू, मालिक के घर पे रहेगा ना, तुझसे मैं बाद में मिलूंगी। अब जा जा बेटा। माँ, क्या है बेटा? भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारे हाथों का खाना खाए, जमाना बीत गया। खिलाती हूँ बेटा, खिलाती हूँ, तू पिछवाड़े आ जा, मैं लाती हूँ। मैं कितनी बदनसीब हूँ, खाना खाने के लिए भी नहीं खा। खा ले बेटा, खा ले, मुँह खोल। ये मेरी खून पसीने की कमाई का खाना है, उन्हें ये खाने का हक नहीं है, इन्हें जाने के लिए कहो यहाँ से। ये तो क्या कह रहा है, ये तेरा बाप है। मैं ये कैसे यकीन करूं कि मेरा यही बाप है? माँ, कोई बात सुना नहीं। उसने क्या कहा? इसीलिए उस भगवान ने इसकी शक्ल तुझे दी है। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। सुन लिया तेरे बेटे ने क्या कहा? कुछ भी हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ। ये तो क्या कह रहा है,
हाँ माँ, क्योंकि ये मुझसे भी ज्यादा बड़े मालिक को अपना समझता है, इसीलिए तो ऐसा बोल रहा है। चलता हूँ माँ। बेटा, भूख लगी थी तभी तो खाना मांगा था, एक निवाला भी खाए बिना जाएगा। कोई बात नहीं माँ, फिर कभी खा लूंगा। शेरू रुक जा। तुम बाप बेटे दोनों ने मेरे लिए जन्म लिया है छोटू। गलती न करने पर भी मैंने तुझे सजा दी है, इसीलिए तुझसे माफी मांगने आया हूं। ये क्या बड़े मालिक, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? बेवजह मुझे मारने का हक आपको है। मुझसे ज्यादा हक उसे है छोटू, तू अपने पिता से माफी मांग रहे। जब मैं उन्हें अपना पिता ही नहीं मानता तो माफी मांगने का सवाल कहां उठता है? वो ना सिर्फ तेरा पिता है बल्कि मेरी जान है। शेरू मेरी बात सुन। शेरू भैया गुड़िया को दो ना। शेरू चाचा गुड़िया को दे दो। उसे रोको, उन्हें रोको। बच्ची को दे दे बेटा। चलो जल्दी। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। शेरू मेरा अच्छा बेटा है ना, बच्चे को दे दे, कान छिदवाने हैं। कान छिदाने से दर्द होगा, नहीं दूंगा। तू क्या कभी इसके कान छिदाने नहीं दूंगा? कान में बंदे नहीं पहनने से भी गुड़िया बेटी सुंदर लगेगी। ओहो, छेदने से दर्द होगा इसे तो प्रेसिंग वाला टॉस पहना लेते हैं। शेरू चाचा गुड़िया को दो। नहीं रानी, अरे मुझे दो ना। नहीं दूंगा। देखो गुड़िया को कोई दर्द नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। वादा? पक्का वादा। संभाल कर। रो नहीं बेटी। बेचारी गुड़िया इतना डरता है। डर गया, डर गया। चुप रहिए, सब इनके गुड़िया बेटी को रुलाने वाले हैं। मैं नहीं देखूंगा। शेरू अरे गुड़िया कैसे हंस रही है देख। अरे गुड़िया बहुत सुंदर लग रही है। इतनी सी बात के लिए जमीन आसमान एक। तो क्या करूं बेचारी बच्ची जो है। हाँ बड़े मालिक आ गए, जल्दी करो। नमस्कार, सब लोग बैठिए बैठिए। शेरू तू क्यों खड़ा है, बैठना। नहीं मालिक। अरे कहा ना बैठ जा। आप खा लीजिए, मैं घर जाके बाद में खा लूंगा। अरे मैं भी खा रहा हूँ ना, खा बैठ जा। नहीं मालिक बैठ जा। क्यों क्या हुआ, सब खड़े क्यों हो गए? ये आपका दोस्त है वो तो ठीक है, पर इसकी बराबरी में बैठकर खाना खाना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा बड़े मालिक। अच्छा ये बात है। शेरू उठ। इसीलिए तो मैंने तभी मना किया था ना मालिक। ठीक है उठना, अभी क्यों खड़े हैं, बैठिए। हाँ, सब बैठिए। हाँ, ए परोसो, खाइए, सब लोग खाइए। ए शेरू चल। ये क्या बड़े मालिक, आप खाना खाए बगैर जा रहे हैं? आप सबके लिए जात कीमती हो सकती है लेकिन मेरे लिए यही कीमती है। चल। ये फोटो अच्छा है? अच्छा नहीं है। अच्छा मालिक। अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है, देख के बिना ही बोल रहे हैं। देख के बोलता हूँ अच्छा नहीं है। ये तो अच्छा है ना? अच्छा नहीं है। ये क्या, देखे बिना अच्छा नहीं बोल रही है? अच्छा नहीं है। जो भी हाथ लगा ले लिया ना। हाँ, सिर्फ पैसे नहीं गहने भी चुरा के रख लिया हूँ। सांप 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 नहीं मैं हूँ। पिताजी पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है पिताजी। मत करना बेटी। फिर ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कब कहा देखने के लिए, तुम्हारी माँ कह रही है। हाँ हाँ, तो आप अपनी बेटी की कभी शादी नहीं कराएंगे? दीदी हम जा रहे हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, और चार दिन रुक सकते हो ना। हम माँ पर बोझ कैसे बने दीदी, ये तो आपका और जीजाजी का बड़पन है जो हमें अपना समझ रहे हैं। हम दो अनाथों को अपने बचपन से पाला, ये कम है। अरे छोड़ो ना। खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ बहुत खाया। ए, अच्छा तो फिर जाओ। चलता हूँ दीदी। चलते चलते। ए अकल राम। अकल राम नहीं बुद्धि राम, जो भी हो बोरी में क्या है? बोरी में जीजाजी पूछ रहे ना, दिखा। ओ कुछ नहीं जीजा जी, उसमें हमारे कुछ पुराने कपड़े हैं। अरे ये क्या, आप सचमुच में बोरी? मालिक तो यूं ही मजाक कर रहे थे।
हमारे यहाँ रुपए जेवर वगैरह बोरी में भरकर ले जाया करते हैं, इसलिए मजाक कर रहे थे। अगली बार आएंगे तो मैं आपको एक बक्सा खरीद दूंगा। चलता हूं। जी अच्छा चलता हूं। दीदी जाओ। मालिक आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी बात कहूँ। छोटी बात क्यों, बड़ी बात कहना। किसने मना किया? आप बाप बेटी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, इसलिए फोटो देखे बिना ही मना कर रहे हैं। पर मालकिन रानी बिटिया की शादी करवाना चाहती है ना मालकिन? तो आप क्या करो बोल। अगर हम किसी को घर जमाई बनाएंगे तो हमारे साथ रानी बिटिया भी यहीं रहेगी। घर जमाई ऐसा कोई है नजर में? अभी अभी देखा। किसे? मालकिन का मुंह बोला भाई। ए, तरा देना बंद कर। माना कि अनाथ होने की वजह से मालकिन नहीं उन्हें पाला पोसा है, इसमें उनकी गलती क्या है? गलती की बात मत कर। अगर ऐसा करना पड़ा तो मेरी बेटी के लिए बड़े घर से रिश्ता लाऊंगा। हमारी जायदाद दोनों बेटियों के लिए तो है, उसमें से आधी जायदाद रानी बिटिया के नाम लिख दीजिए, वो भी धनवान हो जाएगी। कोई लेना देना नहीं है, बेकार में टांग बता रहा। जहां मेरा कोई लेना देना नहीं वहां मेरा काम क्यों? मैं चलता हूँ। मैंने ऐसा क्या कहा जो गुस्सा कर रहा है? गुस्सा करने के लिए मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ? आपकी बेटी आपकी मर्जी, किसी से भी शादी कराइए। ससुराल में जब ये रोएगी तो वो देख के आप रोएंगे और आपको देख के मालकिन रोएंगे, इसमें मेरा क्या? मैं आपका कोई सगा थोड़ी हूँ। शेरू भैया वो सचमुच जा रहे हैं, उन्हें बुलाइए ना पिताजी। क्यों बुलाओ, खुद को बड़ा खुददार समझता है। अरे जा। मुझ वाले दोस्त मेरे तू रोशना दिखा, मुझ वाले दोस्त मेरे तू रोशना दिखा, रोशना दिखा तू ज्यादा क्रोध ना जता, रोश है ज्यादा फिर भी मन का तू अच्छा, दोस्तों का दोस्त है तू दोस्ती का रखवाला, दोस्ती का रखवाला तुझको ना छोड़ूंगा। मुझ वाले दोस्त मेरे नदी किनारे बैठ साथ में मछली पकड़ लाना, पीपल की छैया के नीचे साथ साथ खाना, गन्ने के खेतों में घुस रहा है अपना बचपन, खेत में सरसों के झूमा है वो सारा यौवन, गिरते थे पड़ते थे तालाबों में साथ साथ हम रहते थे, बीते बसंत कितने उनकी मीठी मीठी यादें, भूलेंगे कैसे हम बचपन की वो बातें, वो सावन की बरखा वो सर्दी की रातें। मुझ वाले दोस्त मेरे तू रोशना दिखा, रोशना दिखा तू ज्यादा क्रोध ना जता, सहोदर भाई भी हम जैसे नहीं रहते, एक माँ की संतान नहीं ये कोई नहीं कहते, कितने प्यार से तुमने पाला तेरी मेहरबानी, तेरे नाम लिख दी मैंने सारी जिंदगानी, क्या क्या मैंने पुण्य किए मेरे जीवन का फूल खिला, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से तेरे जैसा दोस्त मिला, तेरी सेवा करने
तो फिर एक जन्म लूंगा। दोस्तों का दोस्त है तू, दोस्ती का रखवाला, दोस्ती का रखवाला, तुझको ना छोड़ूंगा। मुझ वाले दोस्त मेरे तू रोशना दिखा, रोशना दिखा तू ज्यादा क्रोध ना जता। रोश है ज्यादा फिर भी मन का तू अच्छा, दोस्तों का दोस्त है तू, दोस्ती का रखवाला, दोस्ती का रखवाला, तुझको ना छोड़ूंगा। मंगल मांगल्य साहब जी, मुहूर्त का समय हो रहा है, वर को बुलाइए। खेरू जी, अपने होने वाले दामाद को लिया। वो मेरा दामाद कहाँ से हुआ? तू ही ने तो इलेक्शन किया है। इलेक्शन नहीं मालिक, सिलेक्शन। बिल्कुल नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ओफो, तू पागलों की तरह बात क्यों कर रही है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर का दामाद बनूंगा। पता नहीं कौन सा पुण्य किया था। पुण्य किया? मुझे धोखा देना आपके लिए पुण्य है। अरे मेरी जान, मैं तुझे धोखा क्यों दूंगा? मैं तो सिर्फ जायदाद के लिए उसे शादी कर रहा हूँ पगली। सच? मेरा प्यार तो तू ही है। अरे पापी बदमाश, तू इतना बुरा आदमी है। वो क्या है कि दीदी? छी, मुझे दीदी मत बुला। तू मेरी बेटी से इसलिए शादी कर रहा था कि जायदाद पा सके। तेरा कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। दीदी की गालियां सुना रही है ऐसे शुभ दिन में। निकल जा बाहर, निकल जा, निकल। ये नाटक, ये शुभ दिन ही है। शादी होने से पहले तेरा पर्दाफाश हो गया, ये वाकई शुभ दिन है। दीदी 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 दीदी, मुझे माफ कर दो। जवानी के अंधेपन में उस लड़की के चक्कर में पड़ गया था। वो यहाँ सबके सामने कोई हंगामा न कर बैठे, इसलिए उसे शांत कराने के लिए मैं उसे झूठ कह रहा था कि वही मेरा प्यार है। तू जो भी कर मुझे क्या, लेकिन अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं होने दूंगी। जाने नहीं दूंगा, तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। शराफत से यहाँ से दफा हो जा। अगर ये बात मेरे पति जान गए तो तुझे मार डालेंगे। मैं कोई ना कोई बहाना करके ये शादी रोक दूंगी। हट। दीदी नहीं, मेरे शब्दों को सच होने से पहले चुट चुट मत करो। मरते दम तक तुम्हारी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा, तुम्हारे सर की कसम। हाथ उठा, चुपचाप दरवाजा खोल। अगर ये शादी रुक गई तो मैं मर जाऊंगा। मर जा तो मर जा, इस वक्त तो मुझे अपनी बेटी को बचाना है। हट सामने से, हट जा। नहीं हटूंगा दीदी, नहीं हटूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर ये दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं उन्हें बुला लूंगी। हट, हट जाने के लिए हट। मार डालूंगा मैं तुझे। तू मुझे क्या समझती है? तुझे तो दीदी, ये मुहूर्त निकल गया है तो छह महीने तक और कोई मुहूर्त नहीं है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाके दूल्हे को ले आओ। जी अच्छा। सुनिए, ये कहां जा रहे हैं? बड़े मालिक, दूल्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है तो कहाँ जाएगा? तुम्हें ठीक से देखा नहीं होगा। मैं देखता हूँ। अभी तो कहाँ चला गया? मुहूर्त का टाइम निकल जा रहा है। आओ बैठो बैठो बैठो, आप बैठिए। पंडित, पंडित जी, मुहूर्त का टाइम मंत्र पढ़ो। ताज्जुब की बात है, आज इस घर में एक एक करके सब गुम हो रहे हैं। गोविंद, मालिक तुम जाके लक्ष्मी और शेरू को ढूंढो। जी अच्छा। फिक्र मत करो बेटी, माँ आ जाएगी। अरुण, वो मंगलसूत्र जल्दी ले आना। माँ कहाँ गई? पिताजी आ जाएगी बेटी। ए चंदू, तुम जल्दी जाके लक्ष्मी को बुला। नमस्कार पिताजी। रुको पंडित, माँ के बिना ही मंगलसूत्र पहनवाओगे? वहां रखो, मंत्र पढ़ते रहो। मंत्र पूरे हो गए जी। हो गया तो फिर से पढ़ो। मालकिन, मालकिन ये सब कैसे हुआ? किसने किया? शेरू भैया, मेरा भाई अच्छा आदमी नहीं है। किसी भी तरह ही शादी रोको, मेरी बेटी को बचाओ। ठीक ठीक है मालकिन, ठीक जाओ। ठीक।
शादी रोक नहीं सका मालकिन, मेरे पहुंचने से पहले मंगलसूत्र पहना दिया। अपनी रानी विजय के गले का मंगलसूत्र अपने हाथों से कैसे उतारता, आप ही बताइए मालकिन। मालकिन, 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 मालकिन का खून हो गया, मालिक, मालकिन का खून हो गया। लक्ष्मी, 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 पता नहीं शेरु क्या हुआ, पता लक्ष्मी, लक्ष्मी शेरु पता नहीं क्या हुआ, पता मालकिन को मैंने ही मार दिया। बेटा शेरु, अपने मालकिन को तूने मारा? नहीं, ये नहीं हो सकता, तू अपने मालकिन को नहीं मार सकता। मेरी दीदी को मार दिया। मेरी माँ को तूने क्यों मारा? मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बोलो, बताओ। मेरी माँ को तूने क्यों मारा? क्या हुआ? बता ना, बता। तुम्हें दिखाई ना देने की परेशानी में मालकिन मुझे बुरा भला कहने लगे, तो मुझे गुस्सा आया और उन्हें धक्का दे दिया। वो जाके उस खंबे से टकराई और सरपटने से वो मर गई। नहीं, तूने नहीं मारा है, सच सच बता क्या हुआ? मैंने कहा ना, मैंने अपने हाथों से इन्हें मारा है, मैंने अपनी मालकिन को अपने ही हाथों से मारा है। मालकिन को लक्ष्मी, बेटा नहीं, तू मालकिन को नहीं मार सकता, मैं जानती हूँ तू नहीं मार सकता। तेरे मन में मेरे लिए प्यार और अपनापन है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? तू चाहता है ना मेरा हमेशा भला हो? आप 100 साल सलामत रहें, यही मेरी दुआ है। तो तुझे मेरी कसम, हकीकत में क्या हुआ बता मुझे। मेरा सर्वनाश हो जाए तुझे क्यों? मालिक, आपको मुझसे कितना प्यार है ये मैं जानता हूं, लेकिन जो मैं कहने वाला हूं वो किसी को नहीं बताएंगे। इसका आप मुझे वचन देंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा। मेरे पहुंचने से पहले ही बिटिया के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। मैं बिटिया का सुहाग कैसे उजाड़ता बोली? अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या मैं सह सकता था? इसलिए वो इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। दामाद जी से अनजाने में ऐसा हुआ होगा, वो जरूर बदल जाएंगे। हमारी बिटिया की बड़े प्यार से देखभाल करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मालिक, दया करके ये बात किसी को मत बताइएगा, दामाद जी से भी मत पूछना। कभी गलती से भी रानी बिटिया ही जान गई तो वो दामाद जी से नफरत करके अलग हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। शेरु, मेरी बेटी की भलाई के बारे में सोचा तूने, अपनी माँ और बेटे के बारे में नहीं सोचा? मुझे उनकी क्या चिंता है मालिक, आप है ना। चलो गुड़िया, बाहर जाके खेलते हैं। मैं नहीं खेलूंगी, तू ही जाके खेल, मुझे तेरा बाप अच्छा नहीं लगता। ची ची, वो मेरा बाप नहीं है, मुझे वो पसंद भी नहीं। चलो गुड़िया खेलते हैं। मैं नहीं खेलूंगी, छोड़ मेरा हाथ। तू उसका हाथ पकड़ के क्यों खींच रहा है?
अरे बस करो, रोड़ा बस। क्यों मेरे भाई को मारा? पहले उसी ने मुझे मारा था। नहीं, पहले वीरू ने प्रभा को मारा था, तभी मैंने इसे मारा है। चाहो तो पूछ लो। क्यों गुड़िया? हाँ, वीरू ने मुझे मारा था। देख लिया, इसके बाप के केक के लिए इसे तभी घर से निकालना। सोचना क्या है, निकालिए। निकल बाहर। नहीं ऐसा मत कीजिए। रानी कह रही थी खूनी के बेटे को घर में क्यों? कौन है खूनी? वो तो अगर इसके बाप ने कोई गलती की है तो इसका क्या कसूर है? सब सुनो, आज से ये इसी घर का बेटा है, यही रहेगा। चल पिताजी, दोस्त का बेटा है कहकर सर पे मत चढ़ाइए, चाहे तो किसी अनाथ आश्रम में बेच दीजिए। ये अनाथ नहीं है, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं, ज्यादा बात की तो इज्जत नहीं रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? नहीं जी, मुझसे आज तक मेरे पिताजी ने ऐसी बात कभी नहीं की, अब उसकी वजह से। उन्होंने कहा ना, वो इस घर का बेटा है, कौन जाने ये उन्हीं की औलाद हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं, मुंह से बात फिसल गई, मुझे माफ कर दीजिए। गोविंद मालिक, पहले इस कमीने को घर से बाहर निकालो। बोल रहे हैं ना, मुंह से बात फिसल गई, फिसल नहीं गई, मन की बात जुबान पर आ गई। आज के बाद वो मनहूस शक्ल मरते दम तक नहीं देखती। पिताजी, पिताजी, ये आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इस घर के दामाद है। इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा, उससे कह दे कि मेरे सामने से चला जाए। वो चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा पिताजी? वो तुझे खुश नहीं रखेगा, तू यही रह ले। इस छोटी सी बात को। क्या ये छोटी सी बात है? वो तो देखो, तू उसके साथ जाना चाहती है तो चली जा। ये दोनों आपकी आंखों के सामने रहे, इसीलिए तो इन्हें दामाद बनाए ना। यही भूल किया शेरू ने, पहले उस कुत्ते को घर से बाहर निकालो। खाली हाथ बाहर चले गए तो आपकी बेटी को भीख मांगना पड़ेगा। गोविंद मालिक, वकील को बुला के मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा मेरी बड़ी बेटी का नाम करवा दो, उससे पहले। पिताजी, पिताजी। ये क्या कर रही है माँ? शेरू, तेरा दिल बहुत बड़ा है रे, मुझे पता था तू कोई गलती नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मालिक की बेटी की खुशी के लिए इल्जाम अपने सर पे ले लिया और 15 साल जेल की सजा काटी तूने बेटा। तू आम इंसान नहीं बेटा, आम इंसान नहीं, पूजा के लायक देवता है तू। क्या बात, पागलों की तरह मैंने ऐसा किया ही क्या है? मुझ जैसे नौकर के कंधों पर हाथ रखकर दुनिया के सामने ये मेरा दोस्त कहने वाले मालिक का दिल बड़ा है माँ, उनकी तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी बेटी की सुहाग की रक्षा के लिए तूने मुझसे वादा लिया था, लेकिन तेरा ही बेटा तुझसे नफरत करता है देखकर मुझसे रहा नहीं गया यार, इसीलिए मैंने सच्चाई बता दी, मुझे माफ कर दे। ये क्या मालिक पिताजी, आपको बहुत जोरों से भूख लगी है ना, मैंने आपके मुंह से निवाला भी चुप, थोड़ा सा खा लीजिए। जा बेटा, तेरा बेटा ही तुझे खिलाएगा, जा खा ले। आप कितने महान हैं ये जाने बिना मैं आपको कोसता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मुझे
दीदी जल्दी आ रही हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसे क्या पूछ रहे गुड़िया, अंदर आ। ये सूटकेस लेके क्यों आई हो? मैं उस घर में नहीं रह सकती दीदी। ये तो क्या कह रही है? पिताजी बहुत बदल गए हैं। ऐसे नहीं कहते गुड़िया, पिताजी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अपनी पत्नी के हथियारे को घर में लाके बसा दिया है। जिसने हमारी माँ को मारा उसके साथ में नहीं रह सकती, उससे मर जाना बेहतर है। ऐसा मत कहो गुड़िया, मैं हूँ ना तेरे लिए, ये भी तो तेरा ही घर है, तू यही रह ले। कितने दिनों तक तुम यहाँ रहोगी? कल ही तुम्हारे पिताजी पुलिस को लाकर जायदाद के लिए जबरदस्ती उठा कर लाए कहकर तुम्हें ले जाएंगे, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। माना कि तुम मेजर हो, लेकिन किसी के साथ शादी होने तक हर लड़की पर माँ बाप का हक है। इसलिए इसे यहाँ से जाने को कह रहे हैं कि सिर्फ भाभी की बहन ही नहीं, हमें पालने वाली दीदी की बेटी है। तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन किस बिना पर हम इसे यहाँ रख सकते हैं? इसे तूने अभी तक शादी तो नहीं की? अगर ये इस घर की बहू होती तो कोई भी माई का लाल आ जाए मैं उसे देख लेता। फौरन मेरी शादी का इंतजाम कीजिए। गुड़िया तू ये सोच समझ कर ही बोल रही है ना? पिताजी से दुश्मनी करके क्या हम जी सकेंगे? क्यों, तुम नहीं जी रही हो, वैसे ही मैं भी जी लूंगी। ऐसा नहीं है। नहीं भैया, जब भाभी को ये रिश्ता पसंद नहीं है तो जबरदस्ती मत कीजिए। देवर्जी बात सिर्फ मेरी पसंद की नहीं है, पिताजी इस बात से राजी होंगे? वो नहीं मानेंगे। वो कैसे मानेंगे? इसलिए जहाँ तुम्हारे पिताजी नहीं आते वहाँ शादी करवा दो, उसके बाद हम सब जाके उनके पैर पकड़ेंगे तो मान जाएंगे। देखो तुम्हारे पिताजी को तुमसे ज्यादा तुम्हारी बहन से प्यार है, वो जरूर मानेंगे। अरे सोचती क्या हो, दुल्हन को अंदर ले जाकर सिंगार करो, मैं शादी का इंतजाम करता हूँ। ये हुई ना बात। अरे दुल्हन मान गई भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। शर्मा कैसे रहे देखो तो। क्या है बे? मैं सोच रहा था अभी अभी आपने कहा जहाँ बड़े मालिक ना पहुँचे ऐसी जगह, ऐसी कौन सी जगह? हमारा घर। वो मर जाएंगे इस चौकट पर नहीं आएंगे। देखो कितने सारे लोग हैं पर क्या फायदा, कोई किसी काम का नहीं है। मालिक, गुड़िया बेटी आपको बहुत चाहती है मालिक, एक बार अगर आप चाहें तो। मैं जाके बुलाऊं? मेरे परिवार का सर्वनाश करने वाले के घर मैं जाऊं, उससे बेहतर है मेरा मर जाना। मालिक अगर तू चाहे तो छोटू को जाने दे। नहीं मालिक, वीरू के जाने से सच्चाई बाहर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अपनी रानी बिटिया दामाद जी का साथ छोड़ देगी। कोई बात नहीं, उसका साथ छोड़ देगी तो अच्छा ही है, कम से कम मुझे मेरी बेटी तो मिल जाएगी। अपनी बेटी के साथ प्यार से दो बातें करके 15 साल हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, गुड़िया बेटी को मैं लेकर आता हूं। चले रुक जा, वो अच्छे लोग नहीं है, अपने बेटे को भी साथ ले जा। छोटू। जी बड़े मालिक। तू अपने पिता के साथ जाके मेरी बेटी को ले आ। ऐसे क्या सोच रहा है, वो मासूम बच्ची है, अनजाने में कुछ कर बैठी, उसे तुझको ही बदलना है, मेरी बेटी होने के नाते नहीं, अपनी होने वाली पत्नी के नाते। हाँ बेटा जा, जाके उसे चाटा मार के ले आ। संभाल के अंदर रख दो। अच्छा जी। नमस्ते। बुद्धिराम इधर आ। नमस्ते। मौका देख के मुझे परेशान करने आ रही है, तो किसी तरह उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जा। तुमने उसके भाई की पिटाई की ना, अब वो तुम्हारी पिटाई करने वाली है। अरे ले जाना। अभी आई। अब यहाँ क्या लेना है? तुमसे क्या लेना है, लड़की बनाते हुए देख ले तो उसमें गलती क्या है, इसके लिए तुम इतना मारोगे? अब प्लेट बदलता हूँ, लड़की बनाते हुए देखने वालों को कोई बात छोड़ देगा क्या, जान से मार डालता है। मैं ठीक है ना?
बाहर जा। क्या? बाहर जा। ठीक है, दरवाजा बंद करके जाना। जाता हूँ, ना इधर के ना उधर के, मैं तो धोबी कुत्ता हूँ ना, ना घर का ना घाट का। इसकी गलती के लिए मार देना चाहिए था। तुमने जो गलती की है उससे कौन सी बड़ी गलती कर दी है मेरे भाई ने? आहा, ये सब बातें करने के लिए तुम्हें कोई और मौका नहीं मिला। शादी हो जाने दो, उसके बाद फिर से बातें करेंगे। अब तुम यहाँ से जाओ। जब भी देखो कुछ ना कुछ कह के मुझे धोखा दे के अपनी जिंदगी सुधारते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ये शाम है ना, मेरा मुसेरा भाई, इसका दिल तुम्हारी बेटी पे आ गया है। जूते मारूंगा कुत्ते को। क्या 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 कहा? तेरा दिल मेरी बेटी पे आ गया? खून पी जाऊंगा। रुक जाओ, मुझ पर तुम्हारा दिल नहीं आया था, ये भी ऐसा ही है। पहले अपनी बेटी की शादी मेरी शान से कराने का वादा करो, उसके बाद अपने भाई की शादी करा के अपने ससुर की जायदाद हड़प लो, मैं बीच में नहीं आऊंगी। ढेरी धंधा करने वाली एक कुत्तिया, और ये कमीना तेरा दल्ला, ये खत पर गया तो ऊपर पहुंच जाएगी। उसमें कौन सी कमी है? कम और ज्यादा की बात करती है, मुझे बोलना पड़ेगा। तू किस नीच जात की है और इसके बाप का पता नहीं? देख, मेरे मुंह से गंदी गालियां निकलने से पहले चली जा। अगर मैं नीच जात की हूँ तो मेरे से बिस्तर बांटने वाला तू कौन हुआ? और तेरी बेटी कौन है? क्या वो एक हत्यारे की बेटी नहीं? अपनी सासू माँ को मारने वाली की बेटी है ना वो? अगर मैंने ये राज खोल दिया तो तेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। उसके साथ मैं अपने भाई की शादी करा रही हूँ, गनीमत समझ। बकवास बंद कर। जीजा जी, जीजा जी, जान से मार दूंगा तुझे। रानी, 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 कभी सपने भी मत सोचना कि शादी हो जाएगी। रानी, मुझे मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। शादी रोकने के लिए बाप बेटे दोनों आ रहे हैं। सारे दरवाजे बंद कर दो, उन्हें अंदर आने मत दो। जाओ पंडित जी, मंत्र जल्दी पढ़िए। क्या हुआ? शादी रोकने आ रहे हैं। अब तुम्हारी माँ को मारने की प्रायश्चित के लिए आज तक तुम्हें पलकों में बिठा के देखभाल किया ना? पलकों में बिठा के देखभाल किया? जायदाद की लालच में नाटक करता रहा बोलो। अरे सब एक ही बात है, बहुत मुश्किल से तुम्हारी बहन शादी के लिए राजी हुई है। ये शादी होने तक जरा सब्र कर लो। हरगिज नहीं। डरो मत रानी, मेरी बात तो सुनो। वो लोग हमारे लोगों की पिटाई कर रहे हैं। ए पंडित, मंगलसूत्र दे। ए जल्दी देना। रंजीत, थोड़ी देर और रुक जाओ, दीदी को आने दो। ए बुद्धिराम, जाके भैया और भाभी को बुला लाओ। भाभी का मैं नहीं जानता, भैया का मैं जानता हूँ। अरे जो भी हो जल्दी बुलाओ। बेचारी है, जाने दो कहकर मैं विनती कर रहा हूँ। ये क्या भाई, बहुत तुम्हारे बिना शादी रुकी हुई है और यहाँ तुम इश्क फरमा रहे हो? क्या कहा? इश्क फरमा रहा हूँ? वाह रे, आज तक आपकी जो सेवा की उसका मुझे अच्छा सिला दिया। बीवी है तो बीवी बन के रहना सीख, बाप क्यों होती है? मुझे माफ कर दीजिए शेरू चाचा, आज तक मैं आप बिटिया मेरे पाप किया है शेरू चाचा, पाप किया है। रो नहीं बिटिया, रो नहीं। मेरे परिवार की रक्षा करो शेरू चाचा। मेरी रानी बिटिया की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए ही
तूने जो खून किया उसकी सजा मैंने काटी और आज तू इसे ही मारने की कोशिश कर रहा है कमीने। मुहूर्त का समय हो रहा है। देखो प्रभा, मंगलसूत्र पहनाने से दोनों परिवार एक हो जाएंगे, तुम्हीं ने तो कहा था। थोड़ी देर और रुको, दीदी यही कही होगी, अभी आ जाएगी। वीना माँ का है, देखो ना। जी दीदी। मंगलसूत्र पहनने के बाद भी दीदी से आशीर्वाद ले सकते हैं ना, मेरा कहना मानो। नहीं रंजित, मेरी माँ के बिना ही दीदी की शादी हुई थी और उसी दिन माँ गुजर गई। ऐसी शादी मुझे नहीं चाहिए। मालिक ने तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है, चलो। छोड़ो, नहीं चलूंगी। किसी भी कीमत पर तुम्हें ले जाने का वादा करके आया हूँ बिटिया, चल बिटिया। तुम जहाँ रहते हो वहाँ मैं नहीं चलूंगी। हम नहीं रहेंगे बिटिया, तुम्हें पसंद नहीं तो हम चले जाएंगे, चलो बिटिया। नहीं चलूंगी, आज के बाद यही मेरा घर है। ऐसा मत कहो बिटिया, ये लोग इंसान नहीं शैतान है, चलो बिटिया। किसे शैतान कहते हो? पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार की देखभाल करके तुम्हें अपना समझने वाले हमारे परिवार को तबाह किया तुमने, तुम ही शैतान हो। हकीकत क्या है तुम नहीं जानती? नहीं। बरसों तक मेरी माँ के हाथ का खाना खाकर उस नमक की कीमत को भी भूलकर मेरी माँ का बेरहमी से खून कर दिया तुमने। तुम जैसा एक हत्यारा आज मुझे समझाने आया है। हमारी माँ को मारने वाला वो नहीं है गुड़िया, हमारी माँ का हत्यारा मेरा पति है। तुमने कहा ना कि नमक की कीमत भी भूल गए, वो कीमत अदा करने के लिए, हमारे परिवार की भलाई के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे पति के किए खून का इल्जाम अपने सर लेके सजा काटी है इन्होंने। हकीकत जाने बिना हम सब आज तक इन्हें कोसते रहे, नफरत करते रहे। अगर मैं सच जान गई तो उसके साथ नहीं रहती। Oh!
अभी मैं अपनी रानी बिटिया की मांग सुनी नहीं देख सकता, इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। मालिक सारे दरवाजे बंद हैं। कटकटाने पर भी किसी ने खोला नहीं। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। पिताजी, वीरू, पिताजी, तू हमेशा खुश रहे बेटे। बड़े मालिक की अच्छी देखभाल करना। पिताजी, गुड़िया। मुझे माफ कर दीजिए गुड़िया। आपको मैंने क्या कुछ नहीं कहा, मुझे माफ कर दीजिए। बचपन से हम अनाथों को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देकर दीदी ने पाला था, लेकिन जायदाद के लिए उस दीदी का माँ समान दीदी का तुमने खून किया। ये मैं नहीं जानता था, तुम्हारा भाई होने के नाते मैं भी सजा का हकदार हूं। इसीलिए मुझे माफ कर दो भैया। शेरू, 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 मेरी खातिर, मेरे परिवार की खातिर आखिर तुमने अपनी जान की कुर्बानी दे ही दी। शेर, छोटू को देखो, छोटू को देखो, अपने बेटे को देखो, तुम्हारे लिए कितने आंसू बाहर आए। देखो मेरी बड़ी बेटी के लिए तुम्हें जेल जाना पड़ा और मेरी छोटी बेटी के लिए तुमने अपनी जान दे दी। शेरू, 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 शेरू बेटा, बेटा, कहो कि अपनी आंखें मेरे परिवार के लिए तुमने इतने सब कुछ किया, अब इसे साल का मतलब कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं। शेरू, 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 रोशना दिखा। तुम दोनों मालिक नौकर नहीं, जीने मरने में साथ देने वाले दोस्त हो, ये साबित कर दिया। हे भगवान, अचानक तूने क्यों गिराई बिजली, तड़प गया है नदी किनारा, दोस्त की जान निकली,
भूल से भी कोई ये कड़वी बात नहीं कहना। टूट गए दिल सबके ये दुख मुश्किल है सहना। छूट गया है सब कुछ पीछे छूट गया। कैसी अनहोनी आई भगवान भी कैसा हर जाए। बदला मौसम टूटे रिश्ते कैसी चली पुरवाई। ये जीवन भी तेरा दोस्ती की खातिर है। ये आखरी सफर भी दोस्ती की खातिर है।